इस वाले में ध्यान से देखना। कुछ ऐसा एग्जाम्पल था कि ये स्किप है और इसमें ऊपर जा रहा है, और एक जो है डेड वेट लगाया हुआ है हमने जो कि नीचे जा रहा है, ऐसा ही कुछ था। जब एक्सेलरेशन है तो फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊँ, हाँ ये वाला देखो आप, एक आप मान लो एक पॉइंट है जिसमें रस्सी बांधा, रस्सी बांध के एक पत्थर बांध लिया यहाँ पे, ठीक। अब जब हम इसको रोटेट कराते हैं, जैसे रोटेट करा रहे हैं ना, तो पीछे की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बेसिकली है क्या ये, एम वी ही तो है ना, ए जो होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा, जैसे वो जिस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो भी फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन इंक्रीज कर रहा है कुछ, वैसे ही जब इसका मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, इस पे जो टेंशन कितना आ जाएगा, इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा ना, जो कि एफ इक्वल्स टू एम ए के बराबर होगा। बस समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें कैसा, इसमें इसको कैसा फील होगा, जिस जो इसके अंदर रहेगा, तो इसको अपना वेट ज़्यादा फील होगा क्योंकि उसमें रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक। तो वैसे ही जब ये हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और एक्सलरेशन है इस केस में, जब एक्सलरेशन है तो एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा एफ इक्वल्स टू एम ए, और जब इसमें जा रहे हैं तो इस केस में क्योंकि वो नीचे ही जा रहा है, एक्सलरेशन इसका किधर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है। जब ये रोप ऊपर की तरफ जा रहा है और ये रोप नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो इसका वेट पहले से ही नीचे लग रहा था, तो डब्लू टू मान लेता हूँ, और इस केस में वेट पहले से नीचे जा रहा था डब्लू वन, तो नेट क्या हुआ है इसका, कि नेट जो है वेट जो है दोनों का इंक्रीज कर गया, क्योंकि इसका नीचे की तरफ ही था तो डब्लू टू माइनस हो गया था जो भी हमारा फोर्स लग रहा था एक्सलरेशन की वजह से, और इस वाले केस में डब्लू वन प्लस हो गया जो भी हमारा यहाँ पे फोर्स लग रहा था इसके वजह से, एक्सलरेशन की वजह से। तो उसके वजह से डिफरेंस आ रहा है, और उसके वजह से टेंशन जो है वो अलग अलग आ रहा है। और सिंपल केस रहता है, स्टैटिक वाला केस रहता है। स्टैटिक में अगर मान लो एक पुली रहती है और बोलता है कि पुली इज फ्रिक्शनलेस पुली विदाउट, तो जब फ्रिक्शनलेस है तो एक्सेलरेशन ही कहाँ होगा उसमें, दैट इज विदाउट एनी एक्सेलरेशन इन द रोप ऑफ द रोप। उस केस में अगर ये पुली रोटेट भी करेगी तो भी ये जो है रोप वैसा का वैसा ही रहेगा फ्रिक्शनलेस के केस में, और उस केस में जो टेंशन होगा, तो जो यहाँ पे अगर मान लो मैं बोलता कि यहाँ पे टेंशन टी वन है तो नीचे की तरफ लगता, तो यहाँ पे भी टेंशन टी ही होता, जो यहाँ पे है वो यहीं पे हो जाता, लेकिन अदरवाइज जो केस है उसमें डिफरेंट आता है, जैसे एक्सेलरेशन हुआ फ्रिक्शन हुआ उस केस में अलग आएगा। बस समझ भाई हम लोग, नहीं, स्ट्रिंग सेम है तो सानू ऐसा जरूरी नहीं है कि वो, अगर फ्रिक्शन है तो उस केस में अलग हो जाएगा ना। ऐसा सोचो आप, दो केसेस लेते हैं, ठीक है। आप खुद ही एक एग्जांपल कर लेना कि एक कोई भी स्टिक लेना, पेन पे ही लेना, और एक धागा बांध के दोनों साइड, एक साइड में इरेजर या फिर कुछ भी बांध के दूसरे साइड से कर लेना। जब आप रोटेट करोगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि एक साइड जो है स्ट्रिंग जो है या फिर रोप जो है वो लूज हो गई है और दूसरे साइड टाइट है, तो जिधर की तरफ वो आप नीचे की तरफ गिराओगे ना वो लूज हो जाएगा, यानी कि टेंशन कम है, और जिधर की तरफ आप ऊपर कर रहे हो वो टाइट हो जाएगा, यानी टेंशन ज्यादा आ रहा है। तो स्ट्रिंग सेम है तो जब तक हम लोग करते आए ना इससे पहले, हाँ, तो जैसे बेल्ट वाला भी आप एग्जांपल ले लो, बेल्ट वाले में भी आप देखते हो कि एक तरफ जिधर से घूमता है और जिधर से वो निकलता है, जैसे एक तरफ जिस उसकी तरफ जा रहा है, तो बेल्ट वाले ड्राइव में आपने बहुत सारे देखे होंगे एग्जांपल कि एक साइड लूज रहता है एक साइड टाइट रहता है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो। इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे ना, कि जैसे मैकेनिक्स में किया होगा आपने, तो बोल देता होगा कि फ्रिक्शनलेस पुली, अगर नहीं भी दिया होता है, अगर वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम लोग फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं। तो बेल्ट ड्राइव में ही आप देख लो कि एक साइड ये है एक साइड ये है, और ऊपर से हम लोग ऐसे करके बेल्ट जा रहा है इसके ऊपर, तो सपोज इसका रोटेशन कुछ ऐसा है इस साइड में, तो जिधर से भी हम लेते हैं इस साइड में किस किधर की तरफ है, तो उसके तरफ से हमारा जो है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट की एनालिसिस करेंगे, इसका टेंशन कुछ और होगा, इसका टेंशन कुछ और होगा,
तो टेंशन अलग अलग आएगा ना दोनों का, इधर से रोटेट कर रहा है कैसे कर रहा है, और फिर दोनों का क्या है पोजीशन उसके हिसाब से होता है। तो ये चीज बस याद रखना, फ्रिक्शन है, और दूसरी चीज है कि एक्सलरेशन है, तो दोनों केस में जो टेंशन होता है सेम नहीं होता है। तो जब भी भी हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन करते आए हैं, अभी हम लोग फ्रिक्शनलेस वाला मैकेनिक्स सॉल्व करते हैं, और उसमें हम लोग मानते हैं जो हाँ ठीक है। तो अभी बस याद रखो क्या करना है आपको, फॉल नहीं होता, लूज कैसे होगा? ऑफ कोर्स लूज होगा सर इसमें, जैसे आप किसी भी केस में, तो जैसे मैं एग्जांपल बता तो रहा हूँ, जैसे ये वाला आप इमेजिन करो कि लिफ्ट वाला जो मैं बताया, चलो आज हो ही जाए फिर। तो दो चीजें हैं जो आपने बोला कि एक फ्री फॉल, तो फ्री फॉल वाले में तो जैसे मैंने ये रस्सी पूरा तोड़ दी यहां से, फिर वो पूरा सडनली वो ड्रॉप कर रहा है, उस वाले केस में तो है ही। दूसरे वाले केस में हमारा जो नीचे वेट लग रहा था, आप जैसे आप कोई भी वेट, अब अगर हाथ में आप रस्सी से बांध के देखो, तो उसको नीचे जब ले जा रहे हो तो वो हमें हल्का फील होता है ना, और जब ऊपर लेके आ रहे हो तो हैवी फील होता है। तो सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपके पास हैवी है, उसको नीचे रखना हमारे लिए इजी होता है, लेकिन फ्री फॉल तो नहीं करता है ना उस समय। जैसे आप मान लो आप कोई हैवी सा वेट उठा रहे हो और उसको नीचे रख रहे हो, तो दोनों चीज में डिफरेंस है कि फ्री फॉल तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसका वेट जो है वो भी हल्का हमें फील हो रहा है जब नीचे लेके जा रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम जो रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा हटा भी नहीं रहे, और जो वेट है क्योंकि हमने जो थोड़ा बहुत फोर्स लगाया हुआ है उसके वजह से उसका इफेक्टिव वेट जो है रिड्यूस भी कर जा रहा है। जैसे आप खुद ही एक कैरी कर रहे हो, सपोज एक हैवी सा ऐसा ब्लॉक है जो आप कैरी कर रहे हो, वेज है जैसे, मतलब एक हैवी सा है आपके पास, कोई सूटकेस है उसको उठा रहे हो आप, तो जब आप ऊपर उठाओगे तो देखते हो हैवी फील होता है, लेकिन जब आप उसको नीचे रखते हो तो आप देखते हो कि बहुत हमें लाइट जैसा फील हो रहा है। और उस केस में आप पूरा हाथ भी नहीं हटाते हो कि वो फ्रीली गिरे, और फ्रीली गिरेगा तो टूट जाएगा, तो फ्री फॉल भी नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन उसका वेट जो है हमें हल्का फील होता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो इफेक्टिव वेट सपोज 20 kg होगा, उसके हिसाब से कुछ आ गया टेंशन, मान ले 200 न्यूटन के हिसाब से मैं मान लेता हूँ इतना है, तो जो मैंने हाथ से रिएक्शन लगाया हुआ है उसके हिसाब से, तो पहले मैं 200 न्यूटन अगर मैं स्टैटिक पकड़ के खड़ा था तो 200 न्यूटन फील हो रहा था, जब मैं नीचे ले जा रहा हूँ तो उसका कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ एक्सलरेशन है, मतलब जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअल, तो उसका नीचे पूरा का पूरा mg लग रहा था, पूरा वेट इतना फील हो रहा था, जैसे ही हमने थोड़ा सा रिएक्शन नीचे से प्रोवाइड किया हाथ लगा के यहाँ से, तो एक ऊपर की तरफ वेट जो लग रहा है वो mg-F। ठीक, तो कुछ लाइट जो फील होता है हमारा, क्योंकि नीचे जो एक्सलरेशन हमने धीरे से उसको दिया हुआ है या फिर जो फोर्स लगाया हुआ है उसके वजह से हमें लाइट फील हो रहा है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। वैसे ही ये भी है कि एक जो पुली जो है इसका नीचे जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका वेट जो है इफेक्टिव जो टेंशन है इसमें इंक्रीज कर जाएगा, जब ये नीचे आ रहा है तो इसमें टेंशन जो है डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उतना नहीं रहेगा, एक तरह से हमारे पास एक नीचे से हमने एक्सलरेशन लगा दिया है जो उसको रिटार्ड कर रहा है, मतलब तो अपना फ्रीली अलाउ कर रहे हो उसको, फ्री फॉल है उसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो हमको रिड्यूस हो रहा है। तो फिर W-F2 क्यों किया है? W-F2 क्यों किया है कहाँ पे? हाँ इस वाले केस में ना, क्योंकि इसमें जो है जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें एक फोर्स जो है उसका रिड्यूस हो जा रहा है ना इफेक्टिव वाला, जैसे नीचे जाएगा सपोज ये MA से जा रहा है, जब MG तो नीचे की तरफ वेट लग रहा था W2 का, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसके तरफ इफेक्टिवली क्या होगा, उसका वेट कितना फील होगा, तो जो इफेक्टिवली इसका वेट है जो रिड्यूस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने W2-F लगाया हुआ है कि जो भी हमारा इसमें टेंशन है वो कितना हो जाएगा W2-F, और F किसके बराबर, जो उसका एक्सेलरेशन उसके बराबर, जो डिस्प्लेसमेंट है जो चीज सेम रहेगी क्या है, क्योंकि रोप कंटिन्यूअस है या फिर स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है, तो डिस्प्लेसमेंट या फिर जो भी डिस्टेंस कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, क्योंकि वो इलास्टिक भी नहीं है, बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, उसकी एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्योंकि रोप जो है कंटिन्यूअस है, ये रीजन है।
तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना अगर मान लो ये एक्स जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये भी एक्स नीचे की तरफ आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस रूप है। जब वेलोसिटी उतना ही इतना टाइम में जा रहा है, तो ये भी उतने टाइम में नीचे आएगा। और कितना वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वेलोसिटी कितना है, तो वो भी सेम है। तो एक्सलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है, ये तीनों सेम आएगा। बट जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, इफेक्टिव टेंशन जो आएगा इसमें, जो नीचे की तरफ सपोज एक टेंशन इधर की तरफ लग रहा होगा कि यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा, जो टेंशन इफेक्टिव कितना आएगा, तो टेंशन जो है एक में कम हो जाएगा, एक में ज़्यादा हो जाएगा। और लॉजिकल भी है ना, आप एक बार फील करके तो देखो समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है ये। और ये क्यों कम किया, क्योंकि आप ये इफेक्टिवली जो है, इसका जो वेट पहले W2 था उससे घट गया है, और वो लाइट हो गया है। मतलब जो, क्योंकि ना फ्रीली फॉल करा रहे हैं ना उसको, उसको थोड़ा सा रिएक्शन में प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो जो भी हमारा इसमें जो था इफेक्टिव W2 - F, जो भी एक्सेलरेशन के बराबर था, उतना के बराबर टेंशन हमको यहाँ पे फील होगा। जबकि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा W2 + F, मतलब ये भी जो भी होगा W1 है ना ये, तो W1 + F, या फिर जो टेंशन यहाँ पे है T1 F, हाँ, जो मास इनटू एक्सेलरेशन है। हाँ सर, ये पुल्ले फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है। हाँ ऑफ कोर्स फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो वो रोटेट ही ना कर पाए ना। तो कंफ्यूजन कहाँ पे आ रहा है मैं बता देता हूँ। आपने जो अभी तक मैकेनिक्स में सॉल्व किया है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट रूल लेके चलते हैं कि पुल्ली जो है फ्रिक्शनलेस है। तो जो टेंशन हमको एक साइड में रहता है, वही टेंशन दूसरे साइड में रहता है। और एक कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ना रहे तो रोटेट ही ना करे। ठीक, तो आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैकेनिक्स में सॉल्व किए होंगे, उस पर एक बार जाके रिविजिट करो आप, तो आप पाओगे कि कहीं लिख के देता होगा एज्यूमिंग जो आपका पुल्ली है वो फ्रिक्शनलेस है, और उस केस में हैंग कर रहा है, तब जाके टेंशन दोनों बराबर है। अगर टेंशन दोनों में बराबर रहता तो ये ऊपर ही नहीं जाए ना, ऊपर क्यों जाएगा फिर। ये भी कर लिया था हमने कि 5 रिवॉल्यूशन टॉर्क कितना है, तो फ्लाईव्हील का टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लाईव्हील टू रीच द स्पीड ऑफ इतना है, ये सब कर लिया था। हाँ, तो अब जो आगे आते हैं, तो मोस्टली जो है थियोरेटिकल पार्ट है कि बियरिंग्स क्या होती है। तो हमने जो कवर कर लिया अभी तक टॉर्क के बारे में, ये क्लियर हो गया ना। हाँ वह वो समझ में आ गया, वीडियो दिखा दिए सर। अच्छा रुक जाओ, वीडियो देखना है। एक बार थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा आप लोग के साइड से भी ना, डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन देखो यहाँ पे, तो ये सब आप खुद से भी तो सर्च करके देख सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद कैंसिल कर दूंगा तुरंत। तो अगर रोप और पुली में हो तो टेंशन फ्रिक्शन हो, तो उस केस में क्या होगा, M1 M2 G और ऊपर की तरफ टेंशन जो लग रहा है, तो वो सब देखोगे आप तो पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो इस वाले केस में क्या है और दूसरे वाले केस में क्या है, और उसके पीछे रीजन भी है ना कि क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो ज्यादा ही होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। तो ये सब देख लेना आप एक्सेलरेशन, तो मैकेनिक्स से कुछ यूट्यूब से भी तो सर्च करके देखो। मैकेनिक्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हाँ अगर नहीं रहता तो ऊपर ही नहीं जाता ना। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर का हमने बेसिक पढ़ लिया, और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं अगर एक शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, तो ये सब पढ़ने के बाद
अभी जो है थियोरेटिकल पार्ट जो है मोस्टली है, न्यूमेरिकल भी है इसमें, लेकिन मोस्टली जो है थियोरेटिकल पार्ट है। जैसे शाफ्ट के बारे में हमने देखा कि एक शाफ्ट कैसे है, पुली कैसे है, काइनेटिक एनर्जी कैसे जनरेट हो रहा है, उसके बाद फ्लाई व्हील कहाँ पे है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है या फिर पावर कितना है, जो कि हमें देखना रहता है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है कि बियरिंग्स क्या होती हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ बियरिंग्स जो हमारे सिलेबस में बेसिकली माइनिंग में जो है उसके बारे में, जैसे बुश टाइप बियरिंग क्या होता है, पेडेस्टल या फिर प्लम्बर ब्लॉक जिसे बोलते हैं, एंड देन फुट स्टेप बियरिंग, तो जो जर्नल है उस पे शाफ्ट का कौन सा पार्ट जो है जर्नल है, तो बॉल एंड रोलर बियरिंग, और फिर उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट जो है बॉल एंड फिर साइलेंट ब्लॉक बियरिंग की वो क्या होता है, देन थ्रस्ट बियरिंग कैसे काम करता है वो सब देखना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और सिंपल मशीन्स जो होती हैं कि जैसे लीवर क्या होता है और उस केस में, या फिर पुली क्या होता है, या फिर कोई भी लिफ्टिंग मशीन है उसमें क्या होता है, एंड देन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है उसका मतलब क्या है, और लीवर में जैसे कि टाइप्स ऑफ लीवर्स जो फंडामेंटल है, और ये सब एक तरह से उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम एक या दो। एंड पुली में सिंपल जो फिक्स्ड पुली है या फिर सिंगल फिक्स्ड पुली पुली उसमें, एंड देन मूवेबल पुली तो उस केस में क्या है, और साथ में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, तो फिर हम समझ पाएंगे कि जो गियर रेशियो हम लोग बोलते हैं ना कि गियर का एक का डायमीटर या फिर नंबर ऑफ रोप्स जो है हमारे पास, जो उसका ये रहता है जो वाइंडिंग रहती है उसके किनारे, कि हम दो तीन लूप बना रहे हैं किसी भी पुली के अराउंड, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो जाता है तो हम दो तीन चार उस पर राउंड मारते हैं ना कि एक ही रखते हैं, और बाकी जो हैंडपम्प है उसका कैसे है तो उसके बारे में देखेंगे, देन एफिशिएंसी क्या होती है पुली की, और मैकेनिकल ट्रांसमिशन ऑफ पावर में जैसे शाफ्ट कपलिंग क्या होता है, एंड देन क्लचेस क्या होते हैं, देन गियर क्या होता है, उसके बाद बेल्ट रोप चेन और हाइड्रोलिक प्रेशर और ये सब उसके कॉम्बिनेशन। तो उसके बारे में जैसे कि शाफ्ट है तो शाफ्ट में क्या क्या कंपोनेंट है, स्प्लाइंड शाफ्ट क्या है, जर्नल किसको बोलते हैं, और शाफ्ट कपलिंग में जैसे फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात करें वो क्या होता है, और उसमें फ्लेंज एंड बुश टाइप कपलिंग और उससे कंपोनेंट्स, देन रोलर चेन कपलिंग, यूनिवर्सल ज्वाइंट कपलिंग, देन हाइड्रोलिक कपलिंग और कैसे काम करता है उससे रिलेटेड वीडियोस और वो सब देखते हैं, रनर इम्पेलर एडवांटेजेस क्या है, देन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लचेस की क्लॉ क्लच क्या होता है, एंड देन आपका फ्रिक्शन क्लचेस क्या होते हैं और सेंट्रिफ्यूगल क्लचेस क्या होते हैं। और ये सब इतना करने के बाद हम लोग आएंगे जो अगला कंपोनेंट है गियर वाले में, और उससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस हैं कि गियर रेशियो क्या है, और ये सब बेसिकली फंडामेंटल्स हैं, अगर ये समझ गए तो बाकी सब हमको आगे वाला बहुत ही चलेगा। ये वाला क्वेश्चन कर ही लिया था, अब आते हैं इस पे। तो बियरिंग की जब बात करें तो जैसे कि कोई भी शाफ्ट है या फिर कोई भी शाफ्ट का कोई पार्ट है जैसे जर्नल है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, क्योंकि शाफ्ट ऐसे तो हैंग कर नहीं सकता हवा में, तो वो जो कंपोनेंट जो सपोर्ट कर रहा है जो शाफ्ट के किसी पार्ट को, या फिर वो जो मशीन या फिर एक डिवाइस जो कि कंट्रोल कर रही है या फिर सपोर्ट कर रही है शाफ्ट के किसी कंपोनेंट को, तो हो सकता है कि वो जरूरी है कि एंड पे ही हो, बीच में भी हो, जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बियरिंग बोल रहे हैं। ठीक, तो बियरिंग बेसिकली एक मशीन है जो कि फ्रिक्शन जो है रिड्यूस करती है, तो बेसिकली अगर ये रोटेट कर रहा है, अगर इसको सपोज हमने किसी भी ब्लॉक पे रख दिया या फिर जिससे भी कनेक्ट किया और उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट है, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है उस समय रोटेट करेगा तो ऑफकोर्स हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होना होगा तो फिर उसका वियरिंग होगी, और फ्रिक्शन की वजह से वियरिंग ऑब्वियस सी बात है ये सब होती रहेगी। तो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन पहली बात, अगर क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन है तो बेसिकली जो टॉर्क इंजन जनरेट करेगा, जैसे क्रैंक शाफ्ट है उस केस में या फिर मोटर का जो शाफ्ट है, तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो किस में लॉस हो जाएगी, इसको रोटेट कराने में या फिर जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो जैसे हमने किसी इस वाले क्वेश्चन में देखा था ना, किसी पहले वाले में देखा था कि फ्रिक्शन है उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रिक्शन एक बड़ा रोल प्ले करता है कि जो इंजन से जो जनरेट हो रहा है पावर वो कितना ट्रांसमिट हो रहा है, जो भी हमको मशीन को ड्राइव करना है यानी कि जिसको भी चलाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ड्रम वाइंडिंग करनी है, तो ड्रम वाइंडिंग के लिए हम नहीं चाहते कि हमारा जो मैक्सिमम है वो वियरिंग फ्रिक्शन को ही ओवरकम करने में लग जाए, तो हम चाहते हैं मिनिमम वहाँ पे फ्रिक्शन से की वजह से लॉसेस हो, और प्लस जब वो करे ट्रांसफर करे अपना पावर
तो उस केस में मिस अलाइनमेंट और ये सब इशू ना हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो पहली चीज तो ये क्या काम करता है, दो मेंबर के बीच में जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो बियरिंग जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। दूसरा जो है सपोर्ट और गाइडिंग करने में हेल्प करता है, चाहे रोटेटिंग हो या फिर ऑसिलेटिंग हो। ऑसिलेटिंग वाला केस में, ऑसिलेटिंग वाला जैसे हम लोग सेव करते हैं ना, जैसे वो करते हैं यहाँ पे और प्रोसेसिंग प्लांट में यूज करते हैं ना, कि जैसे अगर एक साइज करना है कि पर्टिकुलर साइज का जाएगा, चाहे ग्रिजली हो उसके अंदर से साइज करना है हमें कितना जाएगा पास करना चाहिए, तो सीव के केस में हम लोग यूज करेंगे कि ऑसिलेटिंग टाइप का शाफ्ट है, देखेंगे वो क्या होता है, और देन स्लाइडिंग टाइप का शाफ्ट अगर क्लच है वो सब यूज कर रहे तो। ठीक, तो जो रोटेटिंग शाफ्ट है जो पावर ट्रांसमिट करता है या फिर मोशन ट्रांसमिट करता है, उसको हम लोग को सपोर्ट करने की जरूरत है, और वो किससे सपोर्टेड होता है, बियरिंग से। और जब बड़े वाले शाफ्ट जो हैं अगर एक प्लेस पे सपोर्ट करते हैं, और उस केस में क्या होगा कि बीच से अगर बड़ा शाफ्ट है बहुत ज़्यादा, तो ओवर द टाइम बीच से बेंडिंग हो सकती है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट भी है जो बीच बीच इंटरवल में अभी हम लोग उसको सपोर्ट करते रहते हैं, और उस इंटरनल बियरिंग्स के हेल्प से, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। और सभी बियरिंग के केस में, मोस्ट ऑफ द बियरिंग्स के केस में हमारे पास प्रोविजन होता है कि लुब्रिकेशन करें, और जब वो वियर आउट हो जाए तो उसको इजीली रिप्लेस कर पाए। तो चाहे तो या तो इसके लिए क्या है, जैसे कि ये पूरा का पूरा क्लोज्ड इनक्लोजिंग है, कई कई बार क्या करता है स्प्लिट टाइप इनक्लोजिंग रहती है कि ताकि ऊपर से खोल के हम उसको रिप्लेस कर पाए इजीली से, इसलिए पूरा हमको रिप्लेस करने की नहीं जरूरत हो। ठीक, तो हर जगह यूज होता है बेसिकली बियरिंग्स। आपने भी देखा होगा साइकिल में या फिर मोटरसाइकिल में, किसी भी गाड़ी पे, तो कोई भी यूज कर रहा है तो हर जगह बियरिंग्स हमें दिख, साइकिल में तो इजीली साफ साफ दिख जाता है एयर रोलर टाइप बियरिंग। और अगर बियरिंग को ओवरऑल कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो एक तो ये तो जैसे हमको दिख रहा है कि ये बॉल टाइप बियरिंग है या फिर रोलर टाइप बियरिंग है, और दूसरा जो हो सकता है बियरिंग उसको बोलते हैं स्लाइडिंग टाइप बियरिंग, और वो क्या होता है देखेंगे। तो उसको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और दूसरा रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में ये सब बॉल्स नहीं होते हैं, एक ब्रास का यहाँ पे लगा होता है और उसके वजह से स्लाइड करता है, बीच में हम लोग वहाँ पे लुब्रिकेशन करते रहते हैं, देखेंगे क्या होता है उसको डिटेल में देखेंगे। और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या होता है कि जो रिलेटिव मोशन है शाफ्ट और बियरिंग सरफेस में, वो प्योरली स्लाइडिंग टाइप का है। अगर वो स्लाइडिंग टाइप का है तो उस केस में सरफेस का कांटेक्ट भी ज़्यादा है, और उस केस में जो है फ्रिक्शन जो है, जैसे कि सरफेस है या फिर रोटेटिंग शाफ्ट है और बियरिंग के बीच में, वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है, तो उस केस में ज़्यादा लॉसेस हैं एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द रोलर बियरिंग। और उस पे हम रेगुलरली एक प्रोविजन होता है जिसमें ऊपर से ऐसे एक होल होता है जहाँ से हम कॉन्स्टेंटली उसको ऑयलिंग करते रहते हैं, ताकि वो जो कॉन्टेक्ट के वजह से जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग मिनिमाइज कर पाए। देखेंगे, पहले एक ओवरव्यू अब मैं दे देता हूँ। और जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग्स होते हैं, जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जर्नल बियरिंग, दूसरा थ्रस्ट बियरिंग। ठीक, तो जो शाफ्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे ये वाला जो है जर्नल बियरिंग्स में आ जाएगा, कि जो शाफ्ट एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो भी लोड होगा तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और शाफ्ट का जो भी एंड, जैसे कि एक एंड है ना, ये शाफ्ट का पूरा एंड है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं शाफ्ट का वो वाला पार्ट, उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, और उसी से डिराइव हुआ है जर्नल बियरिंग। तो यानी कि शाफ्ट के एंड को सपोर्ट करने वाला एक बियरिंग, जिसको हम लोग जर्नल बियरिंग बोल रहे हैं। ठीक, और थ्रस्ट बियरिंग की जब बात करें, तो जैसे कि वो एंड में हमने लगा दिया यहाँ पे, ताकि वो जो एक्सियल थ्रस्ट है उसको मिनिमाइज कर पाए। तो देखेंगे जब उसको डिटेल में आएंगे उसको देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ बियरिंग अगर मैं पॉइंट वाइज देखूँ क्या होता है, तो पहला जो ऐसा मैंने बताया सपोर्ट एंड गाइड द रोटेटिंग पार्ट, दूसरा जो फ्रिक्शन है और जो उसकी वजह से जो बियरिंग और टियरिंग है जो मूविंग पार्ट्स के बीच में, उसको मिनिमाइज करने के लिए। तीसरा, अगर वो ना होता तो अगर वो स्मूथ रोटेशन नहीं होता उसके, इसमें नॉइज़ भी ज़्यादा जनरेट होता। अगर नॉइज़ जनरेट हो रहा है प्लस फ्रिक्शन ज़्यादा है और मिस अलाइनमेंट भी किसी तरीके का है, तो उस समय पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और लुब्रिकेशन कितना भी करते हैं तो उसके, इसमें ये सब कंपोनेंट तीनों वाले जो फैक्टर्स रहते वो हमेशा हाई रहते हैं। तो लुब्रिकेशन भी मिनिमम लग रहा है इस केस में अगर बियरिंग हमने लगा दिया, तो प्लस पावर कंजम्पशन भी कम है।
ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। और बुश बियरिंग के टाइप्स ऑफ बियरिंग में पहला जो आता है बुश बियरिंग, तो सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें एक सर्कुलर, जैसे कि ये है ना ब्रास का, ये जो पीला वाला जो दिख रहा है, तो ये एक अंदर पहला तो ये ऊपर वाला, जैसे एक ऊपर वाला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑयल होल है जिससे कॉन्स्टेंटली हम लोग ऑयल सप्लाई करते रहते हैं, ताकि इसके जो शाफ्ट है या फिर जो जर्नल है और जो बुश है उसके बीच में प्रॉपर स्लाइडिंग के लिए एक ऑयल का कॉन्टेक्ट थिन लेयर जो है हमेशा प्रेजेंट रहे। ठीक, तो शाफ्ट उसके लिए ऑयल होल है, कॉन्स्टेंटली उसको सप्लाई करता रहता है, तो अंदर से काट के जब देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो बुश बियरिंग दिखता कैसा है एक बार दिखा दो ताकि और क्लियर हो जाए। तो गन मेटल का ऐसे करके बना होता है वो, और वो बड़ा ही रेजिस्टेंट होता है, कि अगर मान लो स्लाइडिंग हो भी रही है तो बियर जल्दी नहीं करेगा आसानी से। तो ये वाला पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जैसे जर्नल है या फिर शाफ्ट है बहुत सही है, और ये उसका जो हाउसिंग है कास्ट आयरन वो है, इसके अंदर ये प्लेस कर दिया। और ये तो जो कास्ट आयरन वाला पीस है, जैसे ये ऊपर वाला जो है कैप है इसका या फिर जो बॉटम वाला है, तो वो तो रोटेट नहीं करेगा, वो फिक्स करके रखा हुआ है हमने ब्लॉक से। साथ में ये जो गया ना, ये जो बुश इसके अंदर जो एक उस टाइप का एनुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, वो भी इसी से हमने फिक्स करके रखा हुआ है। तो जब रोटेट करेगा ये, जब शाफ्ट रोटेट करेगा, तो उस केस में भी ये जो बुश है वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमने इससे सिक्योर करके रखा हुआ है, फिक्स करके रखा हुआ है, ताकि उसमें बस शाफ्ट जो है वो रोटेट कर पाए। और ऊपर ये जो होल है इससे हम लोग कॉन्स्टेंटली उसको ऑयल कर रहे हैं, और वो होल जो है पास करता है इस जो बुश है उसके थ्रू, ताकि शाफ्ट और ये जो बुश है उसके बीच में जो है ऑयलिंग प्रॉपर हो सके। बात समझ में आ गई बुश बेयरिंग के बारे में? क्या अभी भी क्या चल रहा है? सानू क्या है ये? बियरिंग समझ में आई? कुछ गलत कर दिया था क्या मैंने सानू? सॉवेल में बुश में ऑयलिंग करेंगे तो बुश स्लिप करेगा सर? नहीं, बुश जो है वो सिक्योर्ड होता है, बस जो बुश और उसके बीच में। हाँ ठीक है, ये जो है ना डाउट वो उस पे आते हैं बाद में, पहले ये वाला। तो ये जो बुश है वो बस नहीं स्लाइड करेगा, जैसे ये वाला आप देख रहे हो, तो ये जो है सिक्योर्ड है ना, जैसे ये वाला जो आप फोटो देखो, तो ये जो बाहर वाला है कास्ट आयरन की जो हाउसिंग है उसकी, तो वो कभी स्लाइड नहीं करेगा, जो ब्लॉक है वो भी स्लाइड नहीं करेगा, बुश भी स्लाइड नहीं कर रहा है, कर कह रहा है वो भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, मतलब उसको रोटेट कभी नहीं करेगा। स्लाइडिंग किसके बीच में हो रही है? जो शाफ्ट है और बुश है उसके बीच में, और उसके बीच में ही ये जो ऑयल जा रहा है यहाँ से, अगर हमने उसके ऊपर से ऑयल जो होल है उसमें हम ऑयल दे, तो जो कि बुश के होल से होते हुए जो शाफ्ट या फिर जर्नल है, जर्नल में यानी शाफ्ट का एक पार्ट है, और जो बुश है उसके बीच में एक थिन ऑयल की लेयर आएगी जिससे वो कॉन्स्टेंटली ऑयल करता रहेगा। ठीक, तो बुश बियरिंग जिसको बुशिंग या फिर बुशेस भी बोलते हैं, तो इंडिपेंडेंट प्लेन बियरिंग है, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि लो रेजिस्टेंस सरफेस, ताकि जो फ्रिक्शन है जहाँ पे कांटेक्ट फेसेस है वहाँ पे मिनिमम हो सके। कांटेक्ट फेसेस किसके बीच में? जो शाफ्ट है और उसके पास जो ये बुश है उसके बीच में जो कांटेक्ट फेसेस है उसमें फ्रिक्शन जो है मिनिमम हो पाए। और जो शाफ्ट कहाँ पे रहता है ये तो बता ही दिया मैंने कि शाफ्ट जो है बुश पे रहता है, ना कि वो जो बियरिंग है ये साइड वाली बियरिंग है उसमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहता है, तो जो बुश है उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है, और जो बियरिंग है साइड में उससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है। तो बेसिकली जो मटेरियल की बात करें कि वो क्या होता है, तो कास्ट आयरन या फिर स्टील हाउसिंग होती है, और जो ब्रास ऑफ गन मेटल जिसको बोलते हैं ना, कि जिसमें ये जो रेड ब्रास है बेसिकली एक मटेरियल टाइप है जो अलॉय है
इसमें कॉपर 88% है, टिन 10% है, और जिंक जो है 2% है। ठीक, हाँ। और बुश टाइप बियरिंग जनरली हम लोग स्मॉल डायमीटर के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि इसमें स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, 75 mm के लगभग जो डायमीटर है और ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। और जो ग्रब स्क्रू है या फिर एक पिन है जो कि इंसर्ट करते हैं आधा बुश में और आधा जो है ये जो ब्लॉक है उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि जो स्लाइडिंग और रोटेशन है बुश का उसको हम लोग बियरिंग के अगेंस्ट, यानी कि जो बियरिंग है और जो बुश है उन दोनों के बीच में जो स्लाइडिंग है उसको मिनिमाइज कर पाए। ठीक, और बाकी जो ऑयल होल है वो हाउसिंग में और हाउसिंग के थ्रू किस में एक्सटेंड कर रहा है, बुश में एक्सटेंड कर रहा है, ताकि हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो ऐड कर पाए इसमें। तो ऑयल से होते हुए बुश में होते हुए फिर इसमें जाके वो उसको लुब्रिकेट कर पा रहा है। तो जो भी है इसका, तो रोटरी या फिर लीनियर शाफ्ट बेस सिस्टम टू मिनिमाइज फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट, तो इसका एप्लीकेशन ये है। तो बुश बियरिंग पूरा क्लियर हुआ, दिख रहा है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो बुश बियरिंग का ही एक जो वेरिएशन है पेडेस्टल टाइप बियरिंग उसमें है। इसमें साफ समझ नहीं आ रहा है, शाफ्ट क्या नहीं समझ में आ रहा है, देखो आप। अच्छा, शाफ्ट जो है वो माइनिंग वाला पहली चीज अलग है, ये जो शाफ्ट है ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे मान लो एक मोटर है, आगे वाला डायग्राम में कहीं मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। जब मैं शाफ्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो सपोज ये कोई मोटर है या फिर कोई इंजन रहता है, तो उसका ये जो शाफ्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है ना, तो जैसे ये वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे सपोर्ट करूंगा, ये शाफ्ट इधर भी रहेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो बीच में हमको सपोर्ट करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना यहाँ पे, और वो कौन सपोर्ट करेगा, वो बियरिंग ही सपोर्ट कर पाएगा, ये जो शाफ्ट इसके थ्रू जा रहा है। तो ये जो बियरिंग है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो सपोर्ट करने के लिए बार बार इंटरवल पे है, क्योंकि जो शाफ्ट है भले ही कितना भी छोटा रहे उसको होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और छोटा भी है अगर मान लो बड़े शाफ्ट के केस में, तो हमने देखा कि बेंडिंग प्रोवाइड बेंडिंग ज्यादा ना उसके लिए बीच बीच में भी प्रोवाइड कर रहे थे हम लोग ये बियरिंग, लेकिन अगर छोटा शाफ्ट है तो उस केस में क्या करेंगे, उसको हमको सपोर्ट करने के लिए भी तो चाहिए ना, कि ताकि फ्रिक्शन जो है मिनिमाइज कर पाए, उसको अलाइन कर पाए प्रॉपरली, तो उसके केस में जरूरी था। क्लियर हुआ ना, शाफ्ट इसकी बात कर रहे हैं ना जो इसके अंदर है जो रोटेट कर रहा है वो जो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये जैसे है ना ये सब वो सब आ जाएंगे शाफ्ट वाले केस में। अब समझ में आएगा, अब इसी में से निकाल के मैं ये यहाँ पे दिखाया कि ये है जो है वो शाफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, उसी चीज को मैं खोल के अलग से दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये शाफ्ट है, और उसको जो सपोर्ट किया था उस डायग्राम में ये जो बियरिंग है ये बियरिंग है। ठीक, तो बियरिंग जो हमारा जो जनरली परसेप्शन होता है कि रोलर टाइप ही होगा और या फिर बॉल टाइप ही बियरिंग होगा, क्योंकि हमने साइकिल में वही सब देखा हुआ, अगर मैं बियरिंग बोलूँ तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वैसा ही होता है, लेकिन जो बियरिंग होता है वो अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं, और जिसमें हमने पहला जो पढ़ा है कि प्लेन टाइप बियरिंग जो है या फिर बुश बियरिंग जो है वो क्या है, और उस केस में पूरा का पूरा एक जो बियरिंग है ये साइड में बियरिंग हम बेसिकली पूरे अरेंजमेंट को बोल रहे हैं, और ये जो बाहर वाला जो हाउसिंग है उसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक, तो जो भी है, और उस केस में अलग क्या है इस वाले केस में कि पूरा का ये जो बियरिंग है जो ओवरऑल बियरिंग है या फिर जो हाउसिंग है, उस हाउसिंग के और जो शाफ्ट के बीच में जो एक कॉन्टेक्ट है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ना करा के हमने वहाँ पे बुश लगाया हुआ है, और वो बुश का मेटेरियल क्या है, तो बेसिकली ब्रास ऑफ गन मेटल है या फिर एक तरह से रेड ब्रास है, और वो रेड ब्रास इसलिए कि उसकी बियरिंग कम हो पाए इवन इन द कॉन्टेक्ट और रोटेटिंग है, तो वो समझ में आया। अब जितने भी टाइप के होते हैं हमें इतने की जरूरत है, इतने से हमारा काम चल जाएगा, हमको कैसे पता चलेगा, नहीं वो कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसा ऑयलिंग मैकेनिज्म होता है कि वो कॉन्स्टेंटली अपना वो ऑयल सप्लाई करता रहता है, इस वाले केस में यही चैलेंज है। और बाकी जो रोलर बियरिंग है जैसे आप देखते होंगे साइकिल वाइकिल में लेके जाते होंगे, तो एक बार ग्रीस लगा के छोड़ देता है, बस बियरिंग गाड़ी के शॉक एब्जॉर्ब बस बियरिंग गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर
ऊपर होता है, बस, या फिर थ्रस्ट, हाँ मतलब टाइप हो सकता है, तो अलग अलग टाइप के हैं, मतलब कहीं भी कहीं होगा, जो थ्रस्ट बियरिंग होगा, अगर एक्सियल हमको थ्रस्ट हमको करना है तो, और क्या था, ऑयल के रिक्वायरमेंट के लिए ना उसका अलग से अरेंजमेंट होता है, कॉन्स्टेंटली ऑयल ट्रिप करता रहेगा और उसमें करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। एक सेकेंड, समझते हुए चलना आप लोग, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ताकि बाद में इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, अभी जितना है पूरा का पूरा समझ लेंगे, ताकि बाद में बस एक बार भी पढ़े, एक भी वर्ड जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, जब बाद में देखते ही पूरा क्लियर हो जाए कि नहीं बस ये है यहाँ पे, ये है, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको क्लियर नहीं है इसमें। और पेडेस्टल या फिर प्लम्बर ब्लॉक जो है बेसिकली, तो सेम भाई कि जो ब्रासेस जो है यहाँ पे बने हुए हैं, या फिर ये जो आपका बोस जो था उसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है यहाँ पे, तो पेडेस्टल या फिर प्लम्बर ब्लॉक में जो ब्रासेस हैं उसको हमने दो पार्ट में, जैसा ये दिख रहा है ना यहाँ पे कि एक ऊपर वाला हाफ है और एक नीचे वाला हाफ है, तो दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है इसको। और बाकी जो कास्ट आयरन का कैप है, ये जो ऊपर वाला जो है इसको हम लोग कास्ट आयरन कैप बोल रहे हैं, जो पेडेस्टल बॉडी या फिर जो नीचे वाले जो बॉडी है तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और ऊपर का जो ये जो टॉप ब्रॉस है उसको कवर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक। और जिसके अलोंग ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो जो ये है कि फेस अलोंग विच द टू ब्रासेस रेस्ट अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज जॉइंट इज पैरेलल टू द एक्सिस लेंथ ऑफ द शाफ्ट। अगर शाफ्ट रहता तो कैसा रहता, अगर शाफ्ट की एक्सिस की बात करूं मैं तो कुछ ऐसे ही है शाफ्ट, इसके एक्सिस क्या होगी ये वाला, तो वैसे ही अगर ये एक्सिस इसके अंदर ऐसे करके पास करेगा, तो जो ये जो स्प्लिटिंग है इसकी, जो इस ये जो स्प्लिटिंग रहेगी किसके पैरेलल है, तो ऑफकोर्स ये दिख रहा है कि जो स्प्लिटिंग है इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। और जो फेस, हाँ जो, और जो ऊपर का जो कास्ट आयरन कैप है और नीचे का जो कास्ट आयरन पेडेस्टल बॉडी है, इसके बीच में हम एक प्रॉपर क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। और फिर वही जो ऊपर वाला लुब्रिकेट कैसे करेंगे, बाकी सब मैकेनिज्म सेम है, ऊपर लुब्रिकेट करने के लिए हमारे पास जो ऊपर का ये जो कास्ट आयरन का कैप है, ये वाला पार्ट, उसमें एक होल जाएगा जो कि अपर ब्रास के थ्रू होते हुए नीचे जो आएगा शाफ्ट और इसके बीच में, उसको लुब्रिकेट करेगा। और इसको किस केस में यूज करते हैं, लार्ज डायमीटर जो आपके ये होते हैं शाफ्ट होते हैं उसको हम लोग करने के लिए, यानी कि बड़े वाले जो डायमीटर के शाफ्ट जो होते हैं उसके लिए हम लोग ये लोग ये जो बियरिंग है वो यूज़ कर रहे हैं। और उसी में क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर मुझे इसको मान लो बियरिंग हो गई और इसको हमको रिप्लेस करना है, सिंपली मैं इसको खोल के अपर पार्ट हटा दूँ, और हटा के और सिंपली हम लोग उसको वहाँ से कर सकते हैं मैनेज, तो अगर रिप्लेसमेंट करना है या फिर मेंटेनेंस करना है तो वहाँ पर हम लोग कर पाएंगे, ठीक। और ये तो हमको पता है कि जो शाफ्ट का पार्ट जिस पर रेस्ट करता है उसको जनरल बोलते हैं। अगला जो बियरिंग है वो है फुट स्टेप बियरिंग, तो बाकी सब बियरिंग में देख रहे थे कि वो थ्रू था, मतलब पूरा एक तरह से टनल टाइप था, और ये एक तरह से हेडिंग के टाइप है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, टनल और हेडिंग वाले टाइप में, तो जैसे ये शाफ्ट है, तो एक बार मुझे दिखा देता हूँ वीडियो जो है इसके अंदर,
बियरिंग में हमने क्या देख लिया, बुश टाइप बियरिंग देख लिया, अब कौन सा देख रहे हैं हम लोग, पेडेस्टल। उससे पहले हमने प्लम्बर ब्लॉक देखा था कि वो क्या होता है। और बुश टाइप बियरिंग में बेसिकली क्या था कि एक गन ऑफ मेटल या फिर यूज कर रहे हैं जहाँ पे। और उसके बीच में हम लोग ऑयलिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज कर पाए। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि शुरू शुरू में जो फ्रिक्शन होगा उस केस में ज्यादा होगा, जैसे अगर स्लाइडिंग टाइप वाले केस में बात कर रहे हैं तो स्लाइडिंग वाले टाइप में हमेशा जो है इनिशियल फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक, तो ये इस केस में एक्सल को सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम। ऊपर जो है हमारे पास ये ऑयलिंग के लिए है, कंटिन्यूअसली हमको अगर करना होगा तो खोल के उस पर, और वो दिखेगा हमें कि फ्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग निकाल के उसको फिर वहाँ से ऑयलिंग करके फिर अगर है तो बंद कर सकते हैं। किया होगा ना, वो जो मशीन में हम लोग डालते थे ना, वो एक कीप लेके आते थे उससे हम लोग डालते थे, तो वही तो है मैकेनिज्म। हाँ, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो पेस की, जैसे वो वाला है और ये वाला। तो बेसिकली अभी जो आ रहा है कि ये जो प्लमर ब्लॉक जो आ रहा है, दोनों में डिफरेंस ये था, पेडेस्टल या फिर प्लमर ब्लॉक में। तो बुश टाइप बेयरिंग, ये तो एक पहली चीज़ है कि ऐसे ही था कि जिसके बारे में हमने पूरा क्लियरली देख लिया। और पेडेस्टल या फिर प्लमर ब्लॉक, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले में, सेकंड वाले में जो वो है वो स्प्लिट टाइप का अरेंजमेंट है कि ऊपर है और सीआई कैप, नीचे है सीआई पेडेस्टल बॉडी, और उसको हम लोग ऊपर रिमूव कर रहे हैं। क्या ये एक टाइप का बुश बियरिंग है? तो ऑफकोर्स, तो ये बुश बियरिंग का ही एक टाइप है, पेडेस्टल या फिर प्लमर ब्लॉक। लेकिन अगर मैं उसको फिर से कैटेगराइज करूँ एक स्पेशल कैटेगरी में जिसमें वो स्प्लिट हो रहा है और उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं जर्नल बेयरिंग को सपोर्ट करने के लिए, जर्नल्स को सपोर्ट करने के लिए, शाफ्ट के एंड को सपोर्ट करने के लिए, या फिर एक्सल को ताकि वो इजिली मेंटेनेंस हो पाए, या फिर बड़े शाफ्ट का लार्ज डायमीटर का हैवी है तो उसको बार बार रिप्लेस या फिर ये नहीं करना पड़े, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली जो है टर्म्स कभी कभी जो है इंटरचेंजेबली है भी यूज़ भी कर रहे हैं कि प्लमर है या फिर, और ये जो आपका स्लाइडिंग है बियरिंग, दोनों इंटरचेंजेबली भी कभी कभी यूज़ कर रहे हैं। बट जो स्प्लिट टाइप है मोस्टली, अगर स्पेसिफिकली बात करें मैकेनिक्स के टर्म में, तो स्प्लिट टाइप को ही हम लोग बोल रहे हैं, पेडेस्टल या फिर प्लम्पर ब्लॉक। और क्योंकि उसमें पेडेस्टल बॉडी है नीचे की तरफ, डिफ्रेंसिएशन वहीं पे आ जाता है ना कि जो कास्ट आयरन का पेडेस्टल बॉडी है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कास्ट आयरन का कैप है। पेडेस्टल बॉडी और कैप दोनों ही सेपरेट हो रहे हैं, एक जो स्प्लिट के अलोंग है, जो जिसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग दी एक्सेल ऑफ द शाफ्ट, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। और फिर ऑयलिंग वाला मैकेनिज्म भी हम ऊपर से कर पाएंगे कि ऑयलिंग कर रहे हैं, और जैसे ही मान लो ज़्यादा आवाज़ करने लगी, जैसे साइकिल होता है ना कि आपका कि ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो हम लोग फिर हम उसको ऑयलिंग करते हैं। साइकिल से बेटर है कोई भी मशीन होगी आपके पास, तो वो जैसे गाँवों में यूज़ करते थे लोग ना, कि ऊपर एक होल बना होता था कि उसमें से हम लोग डालते थे कि ऑयलिंग करने के लिए, तो चारा बालने वाली मशीन जो है वो सब उसी में, सब में वैसा है मैकेनिज्म था, एक पर्टिकुलर होल है जिसमें हम लोग डालते हैं और वो धीरे धीरे करके लुब्रिकेट कर देता है, फिर वो धीरे धीरे करके सूख जाएगा, फिर उसमें हम लोग डालेंगे और फिर उसको प्रॉपर ऑयलिंग हो जाएगी, फिर वो आवाज़ नहीं और स्मूथली चलता था। कुछ उसी टाइप का अरेंजमेंट है वो प्लमर और ये बुश बियरिंग। तो अगला जो है वो फुट स्टेप बियरिंग है। तो जैसा कि नाम वो बता रहा है, फुट स्टेप मतलब किस लोकेशन पे हम लोग यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से है ये फुट स्टेप बियरिंग, यानी कि शाफ्ट के एकदम एंड पे यूज कर रहे हैं। तो ये भी कहीं देखा ही होगा आपने, लेकिन टर्म्स में मत जाओ, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपने देखा हुआ है, लेकिन बस नाम क्योंकि ऐसे इंग्लिश में आ जा रहा है तो बस घबराने वाला हो जा रहा है कि ये सब बड़ा टेक्निकल है।
तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि उस वाले केस में क्या था कि पूरा पूरा हम लोग देख रहे थे कि टनल टाइप था, इस वाले केस में हेडिंग टाइप, मतलब जो शाफ्ट का जो एंड वाला पोर्शन है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें भी ये बुश टाइप का अगर आप देखोगे तो अरेंजमेंट तो है, यहाँ पे भी बुश है, वो फिर वही वाला ब्रास का, वो बुश रेड ब्रास का बुश बनाया हुआ है, नीचे एक पैड है, फिर उसमें हम लोग ऐसे रोटेट करा रहे हैं, फिर ऑयलिंग के लिए एक मैकेनिज्म होगा और साइड वाला स्प्लिट हो रहा है, तो उस टाइप का पेडेस्टल टाइप का अरेंजमेंट भी है इसमें। लेकिन क्योंकि लोकेशन अलग है उसका, एकदम एंड पे यूज कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमने इसको फुट स्टेप बेयरिंग बोल दी। तो बेसिकली ये कहाँ पे यूज होता है, टू सपोर्ट द एंड ऑफ द शाफ्ट अंडर एक्सियल लोड। तो ऑफ कोर्स एंड में जब यूज होगा तो एक्सियल लोड, और एक्सियल लोड में मतलब कि जैसे वाइब्रेट कर रहा है, तो उस केस में जब ये वाइब्रेट करेगा, सपोज कोई एक्सियल मोमेंट होगा या फिर थ्रस्ट होगा, तो उसका थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए जो नीचे की तरफ पैड लगा हुआ है या फिर जो बियरिंग डिस्क लगी हुई है वो थोड़ा सा एडजस्ट करेगी, जो शॉक एक्सियल ही जो थ्रस्ट आ रहा है उसको, और बाकी जो साइड में कॉलर बुश है ही, और ये जो बेस ब्लॉक है वो तो है ही यहाँ पे, और जो शाफ्ट है वो है। और क्यों जब ये रोटेट करे, और रोटेट कर रहे तो नीचे वाला जो है वो भी ना रोटेट करे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लग प्रोवाइड करके रख रहे थे, लग मतलब कि थोड़ा सा प्रोजेक्शन रहता है जाके वो फंस जाए, घूमे ना, तो ये लग जो है इसके अंदर कहीं जाके फंस जाता है, उसके बाद वो रोटेट नहीं कर पाएगा। जैसे ये है ना कि यहाँ पे एक लग है तो रोटेट नहीं करने देगा, तो सभी वाले में वैसे ही था, तो इस वाले केस में क्योंकि स्पेशली नीचे वाला जो है उसके लिए था। ठीक, फुट स्टिक बियरिंग को भी पिवट बियरिंग या फिर एक्सेल लोड बियरिंग भी बोलते हैं। फिर वही सेम है, कास्ट आयरन की हाउसिंग है और विथ ए बूस्ट होल टू रिसीव द शाफ्ट। तो ये जो है बीच में बुशिंग की हुई है, यानी कि ये जो बुश का ये लगाया हुआ है कॉलर बुश जिसे बोल रहे हैं हम लोग, और फिर वही है सेम वही ब्रास जो है रेड ब्रास वो है उसका बुश है ये, और उसके बाद ये शाफ्ट उसके बीच में जो होल है, यानी कि ये जो साइड वाला हमारा जो बेस ब्लॉक था और जो बुश है उसके बीच में ये जो होल है उसमें हम लोग शाफ्ट को प्लेस करते हैं, और जो बॉटम ऑफ होल है यानी कि ये जो नीचे बेस वाला जो पोर्शन है, और जैसा कि हमने उस वीडियो में भी देखा था, तो उसमें क्या था, ब्रास ऑफ गन मेटल पैड होता है नीचे की तरफ जिसको, या फिर बेयरिंग डिस्क भी बोल लो या फिर गन मेटल पैड भी बोल लो, और वो कैसा होता है कि कनकेव अपवर्ड, हल्का सा कनकेव अपवर्ड होता है, क्योंकि शाफ्ट का पोर्शन जो होता है थोड़ा सा कन्वेक्स टाइप का होता है, और शाफ्ट है तो उसका जो पोर्शन होता है जनरली इस टाइप का होता होगा, आपने देखा ही भी होगा कि उसको स्मूथ करके रखते हैं, तो ये जो पैड है हल्का सा कनकेव टाइप का होता है ताकि उसको रिसीव कर पाए अच्छे से। ठीक, और क्योंकि रोटेट ना कर पाए, शाफ्ट रोटेट करेगा उसी पर रेस्ट कर रहा है, रोटेट करेगा तो क्या होगा कि ये नीचे वाला भी रोटेट करना शुरू कर देगा जो पैड है, तो उसका रोटेशन मिनिमाइज करने के लिए या फिर रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लग प्रोवाइड करते हैं। लग बेसिकली कि जैसे एक चीज घूम रही है, बीच में आपने ऐसे करके लगा दिया तो क्या करेगा, फंस जाएगा, घूमने नहीं देगा, तो उसके लिए हम लोग एक लग प्रोवाइड करके रखे रहते हैं ताकि वो रोटेट करे तो उसको घूमने ना दे, फिक्स करके रखा रहे, या अगर शाफ्ट रोटेट करे तो जो नीचे जो पैड है उसको घूमने ना दे, फिक्स करके रखा रहे। ठीक, तो बुशिंग इसमें भी कर रहे हैं, साइड से बुशिंग कर रहे हैं इसमें, और नीचे जो है फिर वही जो मैं कांटेक्ट वाला है। अच्छा, घूमेगा तो क्या दिक्कत है, अगर ये नीचे वाला घूम भी रहा है तो पैड दूसरे में क्या दिक्कत थी हमें, क्योंकि हम लोग जो ऑयलिंग कर रहे हैं वो किसके किसके बीच में कर रहे हैं, जनरली शाफ्ट और जो बुशिंग है या फिर जो पैड है इसका नीचे वाला ब्रास पैड है, तो उसको हम लोग वहाँ पे ऑयलिंग कर रहे हैं। अगर वो नीचे वाला घूमेगा तो एफिशिएंसी या फिर जो फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा, और एफिशिएंसी जो होगी मिनिमम होगी। बात समझ में आई? तो अभी तक जो हमने पढ़ा, तीनों का तीनों स्लाइडिंग टाइप बियरिंग थी, और स्लाइडिंग टाइप बियरिंग में जो मेजर कंपोनेंट था सब में मोर और लेस सेम है, कि सब में बुश है एक, और वो बस मतलब कि दोनों के बीच में हो सकता है वो रबर भी हो, लेकिन इस वाले केस में हमने ब्रास की बुशिंग की हुई है, और गर्म मेटल इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा रेजिस्टेंट है जो भी उसका जो फ्रिक्शन है उसके वियरिंग के अगेंस्ट। समझ में आ गया भूपेश, जो क्वेश्चन पूछा था?
बेसिकली तीनों के तीनों जो है स्लाइडिंग टाइप बियरिंग है, और तीनों के तीनों में ही सेम है कि बुशिंग सबको सेम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मार्जिनल डिफरेंस है उसके वजह से हमने उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया तीन कैटेगरी में। जैसे फुट स्टेप बियरिंग है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, पैड कहाँ पे यूज कर रहे हैं और किस लोकेशन पे यूज कर रहे हैं शाफ्ट के, उसके हिसाब से उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। लाइकवाइज जब प्लमर ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसका अलग मैकेनिज्म क्या है, किस लार्ज डायमीटर हैवी है, उसको उठाना निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने क्या किया कि स्प्लिट टाइप एक जो कास्ट आयरन का कैप है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ पेडेस्टल ब्लॉक है, उस पर हमने अलग अलग पार्ट को रख के ताकि इजिली उसको मेंटेनेंस और वो सब इजी हो पाए। देन जो उसका अगला कंपोनेंट है कि बॉल और रोलर बियरिंग। तो बॉल और रोलर बियरिंग, तो पहले जो हमारे पास है उसको देख लेते हैं, तो ध्यान से देखना एक बार ताकि जब होके आगे तो आप क्लियर रहो। इस केस में जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम है, और फ्रिक्शन मिनिमम क्यों है, क्योंकि हमें पता है आपने मैकेनिक्स से पढ़ा होगा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो रोलिंग फ्रिक्शन है, और क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन मिनिमम है मतलब लेस है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसकी वजह से इस केस में फ्रिक्शन जो है बिल्कुल कम है, मतलब रिलेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू द जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसके। और स्लाइडिंग वाले केस में क्या है कि जब शुरुआत शुरुआत में जब पहले टाइम स्टार्ट कर रहा है वो रोटेट करना, उस समय वो दोनों पार्ट स्टैटिक है, यानी कि जो बुश है रेड ब्रास का जो बुश है और जो शाफ्ट है उसका आउटर सरफेस, दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है और शुरुआत में जब स्टार्ट कर रहा है उस केस में स्टार्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, और हमको पता है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वो हमेशा इनिशियली जो है फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे रन कर रहा है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहा है, और थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस है वो कम है। तो बॉल बेयरिंग में वो सब नहीं है क्योंकि शुरुआत से ही रोलिंग बेयरिंग रोलिंग फ्रिक्शन है, तो उस केस में मिनिमम है। समझ में आया, ये बॉल टाइप बेयरिंग हो गई कि कैसे वो रोटेट कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है वो। और जो अगला वाला है रोलर बेयरिंग, तो बेसिकली दोनों का है, बस जो अंदर जो बॉल यूज कर रहे हैं या फिर रोलर यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका कैटेगराइजेशन दूसरा हो जाता है। ये जो एक्सल है, एक्सल सपोर्टेड है यहाँ पे और रोटेट कर रहा है, देखो इसके अंदर वो कैसा दिखेगा, स्फेरिकल रोलर बियरिंग है, यानी कि रोलर टाइप है, बेसिकली वो स्फेरिकल टाइप था, ये सिलेंड्रिकल टाइप है, और उसके हिसाब से यानी कि उसको रोलर बोल रहे हैं उसको बॉल बोल रहे हैं, ये स्फेरिकल टाइप था। बाकी आप देख लेना, इतना सा है कि टू रो ऑफ रोलर्स हैं और उसके बीच में हमारे पास क्या है वो सब देखेंगे। तो इस तरह की बेयरिंग में क्या होता है कि जो रोटेटिंग शाफ्ट है वो जो स्टेशनरी पोर्शन है उसको किसके माध्यम से या किसके मीन से हम लोग सेपरेट करते हैं, या फिर बीच में बॉल हो जैसे इस वाले केस में हमारे पास बॉल बेयरिंग केस में बॉल्स हैं ये, और या फिर बीच में रोलर हो जैसे कि इस केस में हमारे पास ये रोलर्स हैं, तो रोलर भी रोटेट करेंगे बॉल्स भी रोटेट करेंगे। और कोई भी ऑयल फिल्म प्रेजेंट नहीं है कि फेस जो है कांटेक्ट फेस जो है या फिर जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है उसको सेपरेट करने के लिए, जैसा कि इससे पहले वाले स्लाइडिंग वाले हमने देखा था, स्लाइडिंग वाले केस में यानी कि स्लाइडिंग टाइप बियरिंग वाले में हमने क्या देखा था कि हमेशा हम लोग एक ऊपर से ऑयल होल था जहां से हम लोग ऑयल इंसर्ट करते थे, तो इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं है, ऑयल इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, हम क्या करते हैं इसमें ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है और मिनिमम हो जाए,
तो ऑयलिंग की जगह हम लोग जो लुब्रिकेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ग्रीसिंग टाइप से कर रहे हैं। तो जब आप देखते होंगे साइकिल वाइकिल अगर आपके पास होगा, तो अगर आप जाते होंगे उसका मेंटेनेंस कराने के लिए, तो वहाँ पे ग्रीस यूज करता है बॉल बियरिंग में, ना कि ऑयलिंग यूज करता है। ठीक, तो ऑयल फिल्म कोई प्रेजेंट नहीं होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में, और कोई स्लिपिंग नहीं है कॉन्टेक्ट सरफेस में। और इसके वजह से अगर स्लिपिंग नहीं है, अगर स्लिपिंग बिल्कुल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि वियरिंग जो है निगलेजिबल होगा एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग टाइप वाले में। और जो बाकी मैंने बताया कि जो फ्रिक्शन है बूस्ट बियरिंग का स्टार्टिंग के समय बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब वो रनिंग वाले केस में था। जबकि जब रोलर टाइप या फिर बॉल टाइप बियरिंग की बात करें, उस केस में जो रोलिंग फ्रिक्शन है, जो कॉन्टेक्ट सर्फेसिस किससे होंगे, तो जो दो पार्ट्स हैं, जो एक स्टेशनरी पार्ट है, एक जो रोटेटिंग पार्ट है, तो जैसे रोटेटिंग पार्ट जो है ये शाफ्ट के कॉन्टेक्ट में होगा, तो ये दोनों के जो कॉन्टेक्ट में है कि एक रोटेटिंग पार्ट है, एक स्टेशनरी, सपोज आउटर वाला जो स्टेशनरी है, अंदर वाला जो है स्टैटिक पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है, तो उसके वजह से जो दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट है उसमें कौन से रोलर बॉल्स के वजह से कांटेक्ट है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो मिनिमम होगा। ठीक, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मार्जिनली बहुत कम है, जो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब जब रन कर रहा है, तो जबकि स्लाइडिंग वाला टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, यानी सिग्निफिकेंट होता है एज कम्पेयर टू जब रन कर रहा है वहाँ पे। तो बॉल और रोलर बियरिंग मोर और लेस सेम ही है, तो बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये वाले केस में आएगा कि में रोलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एक में बॉल यूज कर, जैसे इस वाले केस में हम लोग देख रहे हैं कि बॉल है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं कि जो एक रोटेटिंग शाफ्ट है, किस रोटेटिंग शाफ्ट से जो डायरेक्टली अटैच है इनर रेस है, तो इनर रेस या फिर रिंग बोलते हैं उसको, जो कि एक टाइट फिट होता है शाफ्ट से, यानी शाफ्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा और शाफ्ट के साथ साथ जो रोटेट करेगा, यानी कि अंदर वाली रिंग जो है, ये वाली रिंग जो है शाफ्ट के साथ साथ रोटेट करेगा, वो उसे टाइटली फिट होता है। और जो बाहर वाले रिंग है या फिर जो रेस है आउटर रिंग या फिर ये जो रेस है वो स्टेशनरी होती है, और कैसे फिट करते हैं बाकी उसको पुश फिट बोलते हैं इनटू द इनक्लोजिंग हाउसिंग। तो पहले तो हमने बस ये हमने यही दिखाया हुआ है ना, बियरिंग का दिखाया हुआ है उसको साइड में, जैसे ये वाला हाउसिंग है ना, ये वाला, ये सब जो हाउसिंग है ये सब हमेशा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाउसिंग नहीं रहेगी तो फिर वो कॉन्टेक्ट में कैसे, मतलब उसको होल्ड कैसे करेगा, तो एक फ्रेम से जो लिंक करने के लिए जो हाउसिंग है वो हमेशा सबके केस में, बट हम लोग स्पेसिफिकली देख रहे हैं जो डिफरेंस वाला पार्ट है उसको देख रहे हैं। और रो ऑफ बॉल है सेकेंड चीज की, जो बॉल का एक रो है सर्कुलर पाथ में उसके लिए है, और जो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा ना ये वाली चीज कि इनर रेस और आउटर रेस के बीच में बॉल को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो रनिंग इन ग्रुप्स इन टू रेसेस, यानी कि जो दो रिंग्स हैं आउटर और इनर रेस के में जो ग्रुप्स बने हैं उसके बीच में जो ग्रुप्स है उसमें ये चलता रहता है। और जो रेडियस ऑफ ग्रुप्स है, यानी कि जो बाहर वाले ये जो अंदर वाले जो ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं ना ताकि बॉल को एडजस्ट कर पाए, वो 5 से 10% जनरली हाई होता है, ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज कर पाए, बस रोलिंग फ्रिक्शन है वहाँ पे मैक्सिमली एग्जिस्ट करे। और बाकी ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, और जैसा कि इसमें ये वाले में क्लियर दिखेगा, ये वाला जो है येलो वाला पार्ट है, ये पूरा पूरा एक स्ट्रीट है येलो वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केज बोल रहे हैं या फिर सेपरेटर। तो जो भी बॉल है और उनके बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन रहे और वो डिस्टेंस जो है चेंज ना हो, बाकी कोलाइड करने लगेंगे तो फिर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसका सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, बॉलों को सेपरेट करने के लिए और उनके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए केज या फिर सेपरेटर यूज करते हैं, जैसा कि इस वाले केस में ये सब दिख रहा है। ठीक, और जो मटेरियल है रेसेस या फिर जो बॉल्स का, यानी कि जो रिंग और जो बॉल का जो मटेरियल है, हाई कार्बन क्रोम स्टील है जिसके हार्ड सर्फेस होते हैं, और उसको हम लोग अच्छे से पॉलिश करके रखते हैं ताकि मिनिमम रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर पाए। और जो बेस, अब इसकी बात करें, जो येलो कलर का हमें दिख रहा है यहाँ पे, और या फिर रोलर टाइप वाले में ये जो येलो कलर का दिख रहा है, इन दोनों के केस में ये किसका बना होता है, स्टील का या फिर ब्रास का या फिर सिंथेटिक रेजिन मटेरियल का। ठीक, और ल्यूब्रिकेशन किससे करते हैं, बाय मिनरल ग्रीस।
और पॉलिश सरफेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, रस्ट से रस्टिंग ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ग्रीसिंग यूज करते हैं इस वाले केस में, ना कि ऑयलिंग करते हैं। और ऑब्जेक्टिव इसके बहुत सारे हैं जो हम लोग ग्रीसिंग कर रहे हैं उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो फॉरेन मैटर है, डस्ट है, उसे प्रोटेक्ट कर पाएँ, और जो केज है उससे के बीच में प्रॉपर जो स्लाइडिंग है या फिर जो रोटेशन है उसका, उसको मेंटेन कर पाए, मिनिमम फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड जो रोलर बियरिंग है वो सेम जो बॉल बियरिंग है उसी के जैसा कंस्ट्रक्शन है, बस डिफरेंस क्या है कि हम लोग यहाँ पे रोलर यूज़ कर रहे हैं जैसा कि ये दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ बॉल्स। और रोलर बियरिंग की खासियत क्या है कि ये ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जो बॉल बियरिंग है। तो बॉल बियरिंग जैसे साइकिल में यूज़ करते हैं, और जैसे कि ट्रेन वाले में देखा था हमने, तो ट्रेन वाले में कैसा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, रोलर टाइप बियरिंग कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा लोड कैरी कर पा रहा है, ये रीज़न है। ठीक। और बाकी जो लोड जो कैरी कर रहा है साथ साथ में थोड़ा बहुत जो है ये एक्सेली जो थ्रस्ट है उसको भी एडजस्ट कर सकता है स्लाइड करके। तो ये जो कास्ट आयरन, मतलब जो बेसिकली इसका केज है, केज में थोड़ा बहुत इसका एडजस्टमेंट पॉसिबल है। ठीक। और कई कई बार ये जो एक टिपिकल केस है कि कहाँ पे यूज़ होता है, तो रोलर बियरिंग को हम लोग ड्राइविंग एंड पे यूज़ करते हैं, और जो बॉल बियरिंग है उसको दूसरा जो ड्रिवन एंड है उसके उस पर यूज़ करते हैं। तो ये कभी कभी, बट इन जनरल जो है वो यही मैकेनिज्म है और यही सब फॉलो करते हैं। समझ में आ गया रोलर और बॉल बियरिंग, केज क्या होता है ये समझ लिया, इनर आउटर रिंग क्या होता है ये समझ लिया, और ऑफ कोर्स जो उसका यहाँ पे जो ग्रूव है वो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बॉल बियरिंग के केस में जो इनिशियल जब स्टार्टिंग के समय जो है वो फ्रिक्शन जो है कम है एज कम्पेयर टू जब रनिंग के समय है, लेकिन जब बॉल और रोलर बियरिंग की बात करें और जब स्लाइडिंग टाइप बियरिंग की बात करें, दोनों को कंपेयर करूं मैं, तो स्लाइडिंग टाइप में जब स्टार्टिंग जो रेजिस्टेंस है या फिर जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, कि अगर कंपेयर करूं जो रोटेशन के समय जो फ्रिक्शन है उससे, जबकि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है बॉल या फिर रोलर बियरिंग में। समझ में आया, कोई डाउट है? कुछ नहीं है, एक सेकंड में आता हूँ, दरवाजा। हाँ, लेकिन बेस्ट ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि बेस्ट कौन है कौन नहीं है, ये बोल सकते हैं कि सबका एप्लीकेशन अपना अपना है। ऑफ कोर्स बॉल बियरिंग का जो पैसा है, कॉस्ट है, वो ज़्यादा है, या फिर रोलर बियरिंग का कॉस्ट जो ज़्यादा है। ट्रेन में यूज़ करना है तो बॉल बियरिंग कहाँ यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो हैवी लोड लेगा, तो रोलर बियरिंग यूज़ करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन कम है उस केस में, तो जनरली उस केस में हमको रोलर बियरिंग ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल देखें कि बेस्ट कौन सा है, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ, अगर एक चीज़ में कंपेयर करना हो कि फ्रिक्शन वाइज कंपेयर करना हो किसमें मिनिमम है, तो बॉल और रोलर बियरिंग जो है बेस्ट है। लेकिन छोटे छोटे मशीन्स में बॉल और रोलर बियरिंग नहीं लेके आ सकते ना, क्योंकि जितना उसका वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा हम लोग तो पैसा लगा देंगे उस केस में। ठीक। तो दोनों फैक्टर हमें देखना पड़ता है, और एक उसी का वेरिएंट है जो है साइलेंट ब्लॉक बियरिंग। साइलेंट ब्लॉक बियरिंग का बेसिकली तो यही है कि बीच में हमने रबर लगा कर रख रखा हुआ है, और इस केस में रोटेशन नहीं हो रहा है, जैसे थोड़ा बहुत इधर ऊपर ऊपर जो वाइब्रेट कर रहा है उसके केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो साइलेंट ब्लॉक बियरिंग होता क्या है, तो इस किस केस में साइलेंट ब्लॉक बियरिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आपने कहीं ना कहीं किसी मशीन में देखा होगा,
हम भी देखते हैं कि जैसे ऑसिलेट करता है थोड़ा बहुत, हमको फिक्स करके रखना है, ऊपर नीचे एडजस्टमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। तो जहां पे शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है लेकिन ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एंगल से, तो जैसे इसका अगर यूज मैं बताऊँ एप्लीकेशन वाला, जैसे सीव के लिए यूज करते हैं ना कि साइजिंग के लिए जो हम लोग सीव यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा ना ये मैकेनिज्म जो ऑटोमेटिक टाइप होती है कि एसेंट्रिक लगा होता है वो अपने आप ही ऐसे रोटेट करा रहा है, मतलब उसको ऊपर नीचे शॉक दे रहा है, मतलब एक बार ऐसे करेगा थ्रस्ट टाइप दे रहा है और वो घूम रहा है जैसे अर्थक्वेक टाइप होता है ना कि ऊपर नीचे हल्का सा है ताकि ये वाइब्रेट करे और जो उसका मटेरियल है आराम से एक पर्टिकुलर साइज का मटेरियल जो है आपस में सेविंग कर पाए उसकी। ठीक, तो उसमें यूज करते हैं, इसमें जो शाफ्ट है या फिर जो एक्सेल है वो रोटेट नहीं करता है, बस वाइब्रेट या फिर ऑसिलेट करता है, साइलेंट टाइप क्यों बोलते हैं तो आप क्लियर समझ ही में आ रहा होगा। एक स्मॉल एंगल जनरली 20 डिग्री या फिर ऊपर या फिर नीचे, मतलब या फिर लेफ्ट और राइट मिड पोजिशन से 20 डिग्री किधर भी एडजस्ट कर सकता है इतना, ठीक। और जो इनर स्टील बुश है और जो आउटर स्टील ट्यूब है तो उसके बीच में, जैसे ये वाला जो है उसमें तो स्टील बुश लगा हुआ है ना बीच वाले में, और बाहर वाला भी स्टील का है, बीच में हमने एक रबर बुश जो है वो प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तो इनर वाला जो स्टील बुश है और आउटर वाला जो इसका स्टील का ट्यूब है, तो उसके बीच में हमने ये रबर का बुश लगा के रखा हुआ है। और बाकी जो कंफर्म है कि जो स्टेशनरी हाउसिंग होगी उसमें हमारा जो जैसे कि कार या फिर स्क्रीन है या फिर मशीन है कोई भी, तो आउटर वाला जो होगा वो किससे सिक्योर्ड होगा, मतलब फिक्स किससे होगा, जो भी फ्रेम है उससे फिक्स होगा, सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं। और इसमें हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं और नॉइजलेस इन ऑपरेशन, और नॉइजलेस क्यों है क्योंकि रबर है तो वो ज़्यादा शॉक एब्सॉर्ब कर पाएगा और बाकी जो ट्विस्ट कर पाएगा ये तो हमको पता ही है कि एक मिड पोजिशन से कितना डिग्री वो ट्विस्ट कर पा रहा है। ठीक, और इनर और आउटर रिंग जो बोल रहे थे आप, जैसे इस वाले केस में ना ये जो हल्का सा ऐसे उसको हमने ये करके दिखाया हुआ है ट्रांसपेरेंट करके, तो ये बाहर वाला जो है आउटर रिंग है, किसके किसके साथ वो रोल करेगा, तो बाहर वाला आउटर रिंग है और ये अंदर वाला जो है इनर रिंग है। तो जैसे ये वाला देखो आप, ये वाला देखो, ये वाला इनर रिंग और ये बाहर वाला आउटर रिंग या फिर रेस। तो ये इनर रिंग जो है शाफ्ट से लगा होगा और जब शाफ्ट से लगा होगा तो वो रोटेट करेगा तो उससे टाइटली फिक्स्ड होता है, और ये जो है बाकी बाहर वाला जो है स्टेशनरी है जिसके अंदर वो रोटेट कर रहा है। और जब तो उस केस में आप देखो ना साइकिल वाले केस में, उसमें आपको क्लियरली दिखेगा। और बाकी ये जो है बाद में बॉल्स हैं ये तो हमने देखा, और केज जो होता है यही है। और एक जो दूसरा टाइप का थ्रस्ट बियरिंग, जैसे अगर मान लो ये सब तो था कि लोड कैरी कर रहा था रेडियली कैरी करने के लिए था, और मार्जिनली जो है ये थोड़ा सा एक्सियल थ्रस्ट जो है वो रबर वाला जो है उसको हटा दो, साइलेंट ब्लॉक बियरिंग जैसे रोलर बियरिंग है तो मार्जिनली ये एक्सियल थ्रस्ट जो था या फिर डिस्प्लेसमेंट जो था उसको एडजस्ट कर पा रहा था, और रोलर के केस में भी वो मार्जिनली कर पाएगा, इस वाले केस में भी मार्जिनली कर पाएगा, बाकी इस वाले केस में भी स्लाइडिंग वाले में जितने भी थे सब में हो पाएगा। लेकिन जो थ्रस्ट बियरिंग है कि उस वाले केस में हमारे पास क्या कर रहे हैं, वही सेम ऊपर वाला जो वॉशर है, नीचे वाला जो हाउसिंग वॉशर है, बीच में केज है, रोलिंग एलिमेंट है। तो उस वाले केस में जैसे हम लोग देख रहे थे कि रोटेट कर रहा था और एक्सेल ही था उस टाइप के केस में, तो इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे अरेंज करके रखे हुए हैं, मतलब जो शाफ्ट का मोशन है वो एक्सेल टाइप में है। मैक्सिमम इसका जो ऑब्जेक्टिव है करने को तो रोटेशन वाला भी कर पाएगा, लेकिन जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव उसका कि अगर मान लो एक्सेल वाला थोड़ा सा थ्रस्ट है तो उसको भी इसको बियर करना है, उसके इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली ग्रुप में ही ऐसा अरेंजमेंट है जैसे कि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो इसमें हमने पहले से करके रखा हुआ है कि उसको एडजस्ट कर पाए। ठीक, तो इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस द ऑर्डनरी जनरल बियरिंग उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं, जो एक्सेल थ्रस्ट एब्जॉर्व कर पाए इन बियरिंग को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट बियरिंग, जैसे टर्बाइन पंप में होता है, जब देखेंगे पंप तो उसमें देखेंगे कैसे क्या होता है। तो जैसे ये अरेंजमेंट है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ये शॉक जो है एब्जॉर्व कर पाता है, तो ये बियरिंग उस केस में हम लोग भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और जब इतना देख लिया तो क्वेश्चन भी करने का समय आ गया।
बेयरिंग समझ में आ गई ना, क्या होता है, क्या है ऑब्जेक्टिव इसका? ठीक, बेयरिंग समझ में आ गई? अब कोई डाउट नहीं है ना कि बेयरिंग कैसा है कैसा नहीं होता है? अलग अलग बेसिकली स्लाइडिंग टाइप है और रोलर टाइप है, मतलब रोटेटिंग टाइप, अगर दो ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दे थोड़ा। पांच मिनट तो रिकैप दे देता हूँ थोड़ा बहुत कि बियरिंग में बेसिकली। हाँ चलो ठीक है। हाँ जो थ्रस्ट बियरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग इस वाले केस में, कि सपोज इस केस में अगर ऊपर नीचे हो, कि अगर थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना हो कि जैसे पैरेलल टू एक्सिस हो इसके, यहाँ पे अगर ऐसा कोई लोड है या प्रेशर है जो कि एक्सेल ही होता है, जैसे इससे पहले वाले हमने देखे थे ये सब बियरिंग देखे थे, उसमें मोस्टली क्या था कि जो शाफ्ट था वो कैसा था, इस टाइप का था, हॉरिजॉन्टल था, जो जैसे कि वीडियो में दिखाया था रियल वाले केस में, जो पेडेस्टल वाले में देखा था हमने, प्लमर ब्लॉक वाले में देखा था, हॉरिजॉन्टल था, और उस केस में बैक्स मूवमेंट जो है ऐसे रोटेट कर रहा है उसके बाद था। लेकिन सपोज हमारे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे ट्रेन वाले में ही देख ले हम लोग, उस बेयरिंग में कुछ हमको एक्सेल भी चाहिए होगा, कि कुछ प्रेशर या फिर थ्रस्ट उस पर एक्सेल ही भी लगेगा, तो उस केस वाले में हमको क्या करना पड़ता है कि थ्रस्ट बेयरिंग लगाना पड़ता है, मतलब रोलर बेयरिंग ही है। सपोज एक केस में ये जैसे ये रोलर बेयरिंग है ये वाला, और ये वाला भी बॉल बियरिंग है, दोनों बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग ही है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि इसके जो ग्रुप्स हैं कुछ इस तरीके से एडजस्टेड होते हैं कि वो थोड़े बहुत जो एक्सियल प्रेशर है उसको भी एडजस्ट कर पाएगा, और लाइकवाइज इसके भी जो ग्रुप्स हैं और जो रोलर है उसका अलाइनमेंट कुछ ऐसा है कि जो एक्सियल प्रेशर है उसको भी बियर कर पाएगा वो, बस डिफरेंस यही है। बाकी है तो वही टाइप का कि रोलर है और जो बॉल है वही है बियरिंग ये, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो मार्जिन है कि जो एक्सेल प्रेशर एडजस्ट कर पा रहा है उसकी वजह से। ठीक, तो ग्रुप्स का अरेंजमेंट प्लस बॉल का ऐसा आपस में अलाइनमेंट और जो रोलर का अलाइनमेंट कुछ ऐसा है जो एक्सेल प्रेशर जो थोड़ा बहुत जनरेट हो रहा है उसको भी वो बियर कर पाए, तो जहाँ पे जरूरी होगा वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे टर्बाइन पंप में जरूरत होता है थ्रस्ट वो देता है, पंप वाले में देखेंगे तो आएगा ये। तो समझ में आ गया हो तो ये वाला क्वेश्चन करो, क्लियर हो गया? जुनेद यहाँ सब सही चल रहा है। ठीक ये वाला क्वेश्चन करो, एक बार ट्राई करो जल्दी से, बाकी सब बाद में आपस में डिस्कशन करना। क्वेश्चन आप लोग करो कि शाफ्ट है 500 mm डायमीटर का है, जर्नल बियरिंग में जो है रोटेट कर रहा है 1500 RPM से, और जो लोड है उस पर 2000 न्यूटन का, और जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है जर्नल बियरिंग का वो 0.03 है। तो हमें पता करना है कि जो हीट जनरेट हो रहा है वो कितना किलो कैलोरी पर मिनट जनरेट होगा, और जो हीट जनरेट हो रहा है उसका रिलेशन क्या है कि 1 किलो कैलोरी में 4186.8 जूल। तो मतलब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, उससे हमको पूछ रहा है हीट जनरेट हो रहा है तो कितना होगा। तो ये मैं मान लूँ कि जो भी फ्रिक्शन काम करेगा वो हीट के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा, तो सिंपल सा लॉजिक है ना, जैसे आप अपना हाथ ही एक दीवार पर रगड़ रहे हो और फ्रिक्वेंटली और थोड़ा सा तेजी से रगड़ो तो आपका हाथ गर्म हो जाता है, तो कुछ वैसा ही लॉजिक है कि जो हीट जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमम उसका पोर्शन जो है हीट में लॉस हो रहा है, तो हमें कैलकुलेट करना है। और तब तक ये पिछला वाला किसी का डाउट था उस वाले क्वेश्चन में? हाँ थ्रस्ट बेयरिंग वहां पे सही है, एक सेकंड, किसी ने बोला था ना कि
वो क्वेश्चन तब तक आप अटेम्प्ट करो। कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ, मास डिफरेंस के कारण ऊपर जाएगा सानू, ये वाले क्वेश्चन में तब तक लोग कर रहे हैं, तब तक आप इस पे आ जाओ। सानू है ना, किसका ये क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन करो, लिख लो पहले क्वेश्चन। आपके एक शाफ्ट है और इतना डायमीटर है, रोटेट कर रहा है, जर्नल बियरिंग में 1500 आरपीएम है, इतना लोड कैरी कर रहा है 2000 न्यूटन, तो हमें पता करना है कितना वो लॉस होगा उसका। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमको पता है कैसे निकालते हैं, और डायमीटर पता है तो हम फ्रिक्शनल टॉर्क भी निकाल लेंगे। अगर टॉर्क पता है तो कितना पावर जनरेट करेगा या फिर कितना वर्क कर रहा है वो भी निकाल लेंगे। ठीक, और क्या दिया हुआ है हमें? तो रोटेशन दिया हुआ है तो हम लोग निकाल लेंगे ना। और पर मिनट का निकालना तो 1 मिनट के हिसाब से रखे रहेंगे। और सानू ये आप अपना वाला ये जो है वो डाउट देख लो, और उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। टेंशन सेम नहीं होगा किसी भी केस में, और मास की वजह से नीचे नहीं जा पाएगा कभी भी। और क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन का जो है कि टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द ड्रम टू रेज द स्किप, तो स्किप को रेज करने के लिए कितना टॉर्क मैं अप्लाई करूं वो पूछता है ना। तो यानी कि इसके वजह से वो नहीं जा रहा है, बल्कि हमने ये जो इसके वजह से जो टॉर्क जो अप्लाई किया उसके वजह से वो रेज कर रहा है। पहले क्वेश्चन में आप देख लो, फिर क्लियर हो जाएगा। फ्रिक्शन, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन हमको बोला है कि उसका जो फ्रिक्शन है उसको अभी निगलेक्ट कर दो, उसमें भी सॉल्व नहीं करो, अदरवाइज उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है और वो आता है भी उसका इफेक्ट, और मोस्ट ऑफ द केसेस में निगलेक्ट होता। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि हमको पूछा था कि टॉर्क कितना अप्लाई करें ताकि जो है ड्रम को ऊपर की तरफ, केस को स्किप को ऊपर की तरफ रेज कर पाए, तो ये लगा रहा है टॉर्क, उसके वजह से ये रेज हो रहा है, ये लेवर हो रहा है, ना कि ये अपने आप इसके वेट से नीचे जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ के फिर हमें समझना पड़ता है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में जब बोल रहा है कि कितना वो टॉर्क अप्लाई करे ताकि ऊपर जाए ड्रम, हो गया ये आंसर आया कुछ? तो 11.26 पहला आंसर आ गया। हाँ, जैसे हो रहा है वैसे ही तो करो आप ना। फॉर्मूला क्या बताएं इसमें? फॉर्मूला तो सब कुछ बता दिया है ना, अभी फंडामेंटल जो किया है एक दो क्लास में पीछे वाले में, उसमें क्या किया था हमने? तो बेसिकली एक शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा है, और कुछ ऐसा डायग्राम है, डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये जो बियरिंग का है वो आउटर है, बीच में हमने कुछ लगा के रखा हुआ है, और ये जो शाफ्ट है वो यहाँ पे बीच में ऑयल फिल्म जो होगा, ऑयल का जो लेयर होगा वो होगा।
ये ग्रीन वाला जो है शाफ्ट है जो इस पर रेस्ट कर रहे हैं, और शाफ्ट का मास जो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है कि शाफ्ट जो है 50 mm डायमीटर जो जर्नल बेयरिंग उसमें रोटेट कर रहा है, और वो रोटेट कैसे कर रहा है तो सपोज वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रही है ऐसे, मतलब कुछ ऐसे करके वो रोटेट कर रहा है, और जो रोटेशन उसका दिया हुआ है 1500 RPM, और डायमीटर जो दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है जो शाफ्ट है उसका डायमीटर दिया हुआ है मेरे ये D=, यानी कि ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो D की वैल्यू दी हुई है वह दिया हुआ है 50 mm, और जो लोड है कितना है 2000 न्यूटन, तो नीचे की तरफ जो लग रहा है 2000 न्यूटन की तरफ, और जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है जर्नल बियरिंग तो इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, तो सपोज उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कुछ लग रहा होगा जो रजिस्ट कर रहा होगा, तो वो जो फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है मुझे कितना कोफिशियंट ना, तो यानी कि वो मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन ये मुझे पता है कि जो फ्रिक्शन है कोफिशियंट है वो 0.03 है, म्यू की वैल्यू दिया रखा है, तो हीट जनरेटेड पर मिनट इन किलो कैलोरी ये मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप समझ में आ गया क्वेश्चन हो जाएगा। 31.40 ठीक है, कुछ तो आया 11.25 ठीक है, तो करूं मैं पहले तो एक हिंट दे देता हूँ क्या करना है हमें, कि पहले जो फ्रिक्शन फोर्स है वो निकाल लूंगा मैं, म्यू दिया हुआ है मुझे, अगर म्यू दिया हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये मुझे निकाल पाऊंगा, और क्योंकि हीट जनरेटेड निकालना है तो जितना काम करेगा मतलब फ्रिक्शन जो काम कर रहा है वो किसमें लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में, तो कितना लॉस हो रहा है वो हम लोग इसलिए निकाल पाएंगे, इसको एक बार ट्राई करो मैं। आंसर दिखा दो अपना जल्दी से, 31 सबका, बाकी लोग तो पहला तो काम मुझे क्या करना पड़ेगा इस वाले केस में, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मुझे निकालना पड़ेगा कितना है, तो वेट मुझे दिया हुआ है और हमेशा फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू एन, तो वेट कितना है और नॉर्मल कितना लगेगा, जितना वेट है उतना ही तो ऊपर की तरफ रिएक्शन लगेगा ना, क्योंकि रेस्ट कर रहा है अदरवाइज ये नीचे की तरफ धस जाता, अगर ऊपर की तरफ अगर नॉर्मल ज़्यादा लगता है तो ऊपर की तरफ उठ जाता, दोनों बराबर होगा तभी तो रेस्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा एस लगाना तो गलत हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 0.03 × नॉर्मल जो 2000 न्यूटन है ये ठीक, अब ये जब फोर्स आ गया तो रोटेशन वाला केस है, तो ये तो अभी हमको फ्रिक्शन फोर्स आ गया किस डायरेक्शन में लग रहा है 0.03 × 2000, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये लगभग 2 0 चला गया, हाँ 60 आ जाएगा, तो ये एफ की वैल्यू आ गई 60 60 न्यूटन, जब 60 न्यूटन फोर्स आ गया जो फ्रिक्शन फोर्स है 60 न्यूटन, लेकिन ये रोटेट कर रहा है ना अभी, तो रोटेट कर रहा है और मुझे वर्क निकालना है या फिर कितना 1 मिनट में कर रहा है वो सब निकालना है मुझे, मैं वो कैसे निकाल पाऊंगा, तो
तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि मैं टॉर्क निकालूं तभी उबाय आएगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन है इस केस में, तो उसके लिए मुझे टॉर्क निकालना पड़ेगा। और टॉर्क निकाल लेंगे और फिर उसके हिसाब से, और टॉर्क मुझे पर मिनट में दिया ही हुआ है, तो जो वर्क करेगा कितना हो जाएगा। तो जैसे वर्क के केस में हमने सिंपल में हमेशा बोलता है एनालॉजीज करेंगे, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा था हमने लीनियर वाले केस में। और इस केस में वर्क जो होता है टॉर्क इंटू और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा, तो ये जो वर्क आ जाएगा उसको फिर कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी हो जाएगा, हो जाएगा ना, सिंपल तो था। जवाब ही नहीं आ रहा है, नहीं हो पाएगा। हाँ, तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू एन हियर नॉर्मल एन इज इक्वल टू दी वेट ऑफ दी शाफ्ट, और शाफ्ट यानी जो कैरी कर रहा है उसको साथ में, और प्लस शाफ्ट का जो वेट है उसके बराबर, यानी कि इसके बराबर होगा, और जितना लोड कैरी कर रहा है, कैरिंग अ लोड ऑफ 2000 न्यूटन, दैट इज 2000 न्यूटन। तो एन इक्वल्स टू 2000 न्यूटन आ गया। हेंस फ्रिक्शनल फोर्स, सपोज एफ मान लेता हूँ मैं, एफ इक्वल्स टू आ जाएगा 0.03 μ की वैल्यू एंड एन की वैल्यू 2000, तो ये कितना आ जाता है, 3 2 6, तो ये 60 न्यूटन आ गया था ना। तो 60 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब जब 60 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, तो उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क। तो टॉर्क मतलब कि जो इसके इक्विवेलेंट, मतलब जो फोर्स का इक्विवेलेंट है रोटेशन वाले केस में, और रोटेशन वाले में इक्विवेलेंट कैसे होता है, इसमें प्रॉपर डिस्कशन हुआ था और हमें समझ में भी आ गया था। नाउ टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू, तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू, जो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा इसमें, तो आर क्रॉस एफ यही होता है, या फिर आर एफ साइन थीटा। और क्योंकि साइन थीटा इस केस में क्या है, ये फोर्स इतना है और ये 90 डिग्री बनाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिवाइड बाई 2 mm। तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी इसमें डी अपॉन टू इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 2, यानी 25 mm। तो टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा आर की वैल्यू 55 mm, यानी कि 25 आ गया ना ये, हाँ ये वाला 25 mm, इसको डिवाइड कर दूँ तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 2, या फिर सीधे यहाँ पे लिख देता ये, और इनटू एफ फोर्स कितना आया 60, तो 30, और ये कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1.5 न्यूटन मीटर। तो 1.5 न्यूटन मीटर तो टॉर्क आ गया, जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो आ गया हमारा 1.5 न्यूटन। अब यही तो फ्रिक्शनल जो टॉर्क है वही तो जनरेट करेगा ना। नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय, कैसे आ जाएगा वो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करेगा वो कैसे आएगा, वो आएगा वर्क इक्वल्स टू, जैसे ये वर्क इक्वल्स टू एफ एस होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, वैसे टॉर्क इस केस में जो वर्क होता रहता है रोटेशन वाले केस में, ये सब करा चुका हूँ फॉर्मूला, टॉर्क इंटू थीटा इक्वल्स टू टॉर्क इंटू थीटा। तो टॉर्क मुझे पता है कितना दिया हुआ है, वहाँ पे टॉर्क दिया हुआ है, यहाँ पे आ गया 1.5, लेकिन जो थीटा है वो कितना है ये मुझे नहीं पता है। सिंस
रोटेशनल स्पीड इज, कितना दिया हुआ है रोटेशनल स्पीड हमें, 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम। देयरफॉर इन 1 मिनट इट रोटेट्स बाई 1500 रिवोल्यूशन, 1500 रिवोल्यूशन 1 मिनट में वो रोटेट कर रहा है। देयरफॉर एंगल टर्न टू 1 मिनट इक्वल्स टू, अगर 1 मिनट में 1500 रिवोल्यूशन कर रहा है तो एक एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है, मतलब कितना एंगल रोटेट करेगा। एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, 1500 में कितना कर, 1 मिनट में कितना, 1500 रिवोल्यूशन में कितना कर पाएगा, ये 2π × 1500। तो ये 1500 × 30 और मल्टीप्लाई करने पर लगभग लगभग 9420 रेडियन आ जाता है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। हेंस इसको मैं 1 मान लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टॉर्क कितना आया था मेरा, टॉर्क आ गया था 1.5 न्यूटन मीटर। तो 1.5 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाय जितना भी आया था, कितना आया था 1500, और ये 9420, 9420 ये रेडियन में आ गया था। तो ये जब करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 1.5 टाइम्स है तो ठीक है, 14130 जूल, 14130 जूल आ जाएगा, 1.5 टाइम्स है ना। हाँ सही है। तो जब ये इतना आ गया एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हेंस हीट जनरेटेड इक्वल्स टू कितना है, 14130 जूल, इतना हीट जनरेट हुआ। तो यही आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन किलो कैलोरी में पूछा है कि 1 किलो कैलोरी में इतना है तो इतने में कितना हो जाएगा, तो बाकी इसको फर्दर में कर पाऊंगा कि देयर फोर हीट जनरेटेड पर मिनट इन किलो कैलोरी इक्वल्स टू, तो सिंपल सा वो जो इक्वेशन होता है ना कि यूनिटरी सिस्टम, कि 1 किलो कैलोरी में कितना दिया हुआ है हमें कि 4186.8, 4186.8 जूल। तो फिर हमें निकालना कितना था कि 1/4186.8 किलो कैलोरी इसके बराबर, 1 जूल के बराबर। फिर इतना जूल के बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14130 डिवाइडेड बाई 4186.8। वही दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो यानी कि 1 जूल में इतना, तो 14130 जूल में कितना आ जाएगा, तो इसको करने के बाद ये आ जाता है। और ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 3.37 किलो कैलोरी आंसर आ जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, 3.37 किलो कैलोरी। समझ में आया कि सिंपल सा जो हमें अगर एक अप्रोच पता है, नीरज भूपेश ठीक है, 3.37 किलो कैलोरी। हाँ तो ये तो होना चाहिए था ना, बस डिफरेंस क्या किया इसमें, जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें से, और इसमें क्या डिफरेंस था, बस मैंने ये किलो कैलोरी वाला जो है वो पार्ट ऐड कर दिया, अदरवाइज कुछ तो है नहीं। वर्क डन ही तो निकालना था ना कि कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो फोर्स निकला यहाँ पे, फिर उसके बाद हमको मूवमेंट निकालना था,
मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना था, यानी कि टॉर्क निकालना था। अगर टॉर्क आ गया तो टॉर्क कितना फिर वर्क जनरेट करेगा, रोटेशन के केस में तो टॉर्क ही वर्क करता है ना, तो टॉर्क इंटू थीटा, उसके हेल्प से अब हम निकाल लेंगे। तो वही तो किया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक, डायमीटर देखो सर एक बार। डायमीटर इसका दिया हुआ था कितना, 50 mm ना, तो 50 गलत है क्या, डायमीटर गलत ले लिया मैंने। डायमीटर 50 दिया हुआ था, 50 mm डायमीटर, तो क्या देखूं मैं इसमें, रुको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो डायमीटर अगर मेरा दिया हुआ है कितना, 50 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, 50 डिवाइड बाई 2, और मीटर में कन्वर्ट करूंगा, ये तो mm में है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो रेडियस मीटर में कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2, 1000 से डिवाइड करूंगा तो 123.05 ही तो आएगा ना, सही तो है, 0.05 डिवाइड बाई 2। क्या और क्या दिक्कत क्या आ रही है? ठीक, सही है। समझ में आ गया ना सबको? अब आते हैं कि बाकी सब कैसे काम करता है। जैसे ये तो हमने समझ लिया कि इस वाले केस में कैसे काम कर रहा है, फ्रिक्शन से क्या हुआ, बियरिंग क्या हुआ, बियरिंग में फ्रिक्शन है तो क्या होगा, ये सब क्वेश्चन कर लिए हमने। और बाकी जो कॉन्सेप्ट है कि कितना हमको एनर्जी निकालना है, पावर निकालना है, अगर रोटेशन वाला ही केस आएगा हमारे में, रोटेटिंग शाफ्ट ही रहेगा, तो रोटेटिंग के केस में जो टॉर्क क्या है और जो कंपोनेंट, जो कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो सब कंपोनेंट हम लोग यूज करके निकाल पाएंगे, हमेशा निकाल पाएंगे। तो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, ये हमेशा याद रखना। और बेसिकली जब शाफ्ट ऑफ होगा, रोटेट करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग क्लियरली कर पाएंगे वहाँ पे। अब जब आते हैं कि जब बाकी जो मशीन्स हैं, जैसे कि लीवर्स हैं या फिर जो पुली है, वो सब काम कैसे करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला केस अगर मैं उठाऊं, जो सिंपल टाइप की मशीन है, कि जैसे हैंडपम्प है, हैंडपम्प में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ से वो रोटेट करता है। हैंडपम्प तो सबने यूज़ किया होगा ना, सीजर जो है, कैची है, उसका हैंडल कितना है और उसके बाद कैसे कट कर रहा है, और बाकी जो व्हील लोडर है, मतलब जो ये सब कंपोनेंट हैं आगे वाले, ये सब कैसे हम लोग उठा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। और सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इसमें समझने के लिए, ऐसा समझो आप, जो हैंडपम्प होता है, जो हम पानी निकालने के लिए यूज करते हैं हैंडपम्प, उसके केस में आप देखते हो कि ऐसे करके ये बना होता है स्ट्रक्चर। बाकी यहाँ पे एक हिंज होता है जो कि इसके फ्रेम से फिक्स होता है, और जब हम इसको प्रेस करते हैं, ये ऊपर की तरफ उठता है और पानी जो है आगे की तरफ से ऐसे निकल रहा है। यही है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। सबने हैंडपम्प चलाया होगा, आप लोगों ने भी चलाया होगा, कहीं ना कहीं देखा तो होगा, ये गवर्नमेंट वाला ये देख लिया होगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि हैंडल जो है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बड़ा है। अगर वही हैंडल आप इसी वाले केस को देखो, अगर आप हैंडल कहीं और से पकड़ते हो, तो उसके बाद चला के देखो कितना डिफिकल्ट है। तो ये वाला केस है, अगर इसी हैंडल को आप पास से पकड़ के नीचे की तरफ पुश करो, तो वो कभी जल्दी, मतलब बहुत मुश्किल से ऊपर की तरफ उठेगा, जैसे जैसे पास आते चले जाओगे कि ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली जिस पॉइंट से वो टर्न कर रहा है हैंडपम्प का, जो कि पूरे फ्रेम से उसके जो बॉडी से जो वेल्डेड है और जिसके पॉइंट पे वो रोटेट कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग फलक्रम पॉइंट बोलते हैं। जैसे उसमें पढ़ा रहा था मैं, माइनिंग मेथड में, तो लॉन्ग वॉल माइनिंग में फलक्रम पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था।
तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा उसको फलक्रम पॉइंट बोलेंगे। जैसे इस वाले केस में इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसको फलक्रम पॉइंट बोलूंगा मैं। सीजर में यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो उसको मैं फलक्रम पॉइंट बोलूंगा। तो ये जो बेसिकली जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये जो मशीन है जिस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है फंडामेंटली तो, और बाकी जो मूवमेंट है उसका वो कंजर्व हो रहा है। मतलब कि इस साइड का हैंडल ज्यादा है और इसके साइड का भी हैंडल छोटा है, दोनों साइड का मूवमेंट बराबर होना है। तो अगर मैं इधर कम फोर्स लगाता हूँ लेकिन रेडियस ज्यादा है, इस केस में रेडियस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यही जो मूवमेंट जो है इक्वल होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज ले पाते हैं। यानी कि मुझे एफर्ट कम मारना पड़ता है लेकिन जो लोड वो कैरी कर रहा है वो बहुत ज्यादा कैरी कर रहा है। अगर इसी को मुझे हाथ से पकड़ खींचना रहता तो वो इजिली नहीं हो पाता, लेकिन जो मैकेनिक्स का जो यूज करके मैं इसको मैकेनिकल एडवांटेज यूज करके या फिर जो वेलोसिटी रेशियो यूज करके उस केस में पुली के केस में जब मैं ऊपर उठा रहा हूँ, तो कैसे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो या फिर यही वाला कॉन्सेप्ट अगर आप गियर में लगा दो या फिर जो ड्रम वाइंडिंग में लगा दो, सबके केस में मोर और लेस सेम है। तो सबका जो फंडामेंटल है वो है। तो इसको बेसिकली अगले क्लास में करते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। सबका फंडामेंटल जो है यहाँ से हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो कवर कर लिया फंडामेंटल, ये जो थे वर्क एनर्जी पावर। अब वर्क एनर्जी पावर इससे ज्यादा बेसिक थियरी कहीं नहीं है। मतलब अगर इतना फंडामेंटल मुझे पता है तो यही फंडामेंटल यूज करके, यानी कि जो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट जो समझे हम लोग शुरू से लेके अभी तक, जो क्वेश्चन हमने समझे हैं इतने सारे, यही सारे सारे कॉन्सेप्ट जो है मोर और लेस आगे यूज होने हैं। और सिंपल जो मशीन है उस पर आगे, चाहे पुली हो या फिर ये हो, और ये जो कंपोनेंट है उसके कि शाफ्ट है, बियरिंग है, कैसे सपोर्टेड होगा, ये सब देख लिया आपने। कहीं से कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो। अदरवाइज ये वाला स्लाइड समझा ही देता हूँ मैं, जब शुरू कर ही दिया तो मैकेनिकल एडवांटेज की जब बात कर रहे हैं कि कितना लोड वो, अगर हम कुछ एफर्ट लगा रहे सपोज 2 न्यूटन, तो उस लोड के करस्पॉन्डिंग कितना एडवांटेज ले पा रहा है वो हमें देखना है। मतलब जो रेजिस्टेंस या फिर जो लोड मैं उठा पा रहा हूँ, कितना मैं खुद फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसके रिलेटिव में, पूरा मैकेनिक्स का प्रिंसिपल यूज करके। तो बेसिकली जो मशीन है वो क्या होता है कि लोड एक्टिंग एट सम और अदर पार्ट ऑफ द मशीन, जो फोर्स और या फिर एफर्ट जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ताकि इसको हम लोग ट्रांसमिट कर सकें, जो रेजिस्टेंस या फिर लोड है उसको कैरी करने के लिए या फिर पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ड्रम वाइंडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रोटेशनल टॉर्क है और या फिर एक एनर्जी है, उस रोटेशनल टॉर्क या फिर एनर्जी की हेल्प से हम जो है रोप को वाइंड कर रहे हैं, मतलब पुल कर रहे हैं अपनी तरफ या फिर अनवाइंड कर रहे हैं। और उसके हेल्प से क्या हो रहा है, उसके हेल्प से वो जो वाला पार्ट है जो नीचे स्किप है या फिर केज है वो ऊपर की तरफ रेज हो पा रहा है। तो ड्रम का पर्टिकुलर डायमीटर ये क्यों होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, पुली के ऊपर से जाते हुए वो जा रहा है वहां पे, विंचेस हैं उसमें कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। पर गियर में हम लोग देखते हैं एक गियर जो है छोटा होता है, एक गियर बड़ा होता है, फिर वही ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट गियर टाइप हो जाएगा वो भी। तो इस केस में जो मशीन है जिसमें हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक हम लोग खुद टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और उस टॉर्क की वजह से, या फिर हम लोग खुद एफर्ट दे रहे हैं और उस एफर्ट की वजह से कुछ लोड कैरी कर रहे हैं। तो जो हम लोग इसमें जो फोर्स या फिर जो एफर्ट दे रहे हैं वो जनरली बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो हम लोग लोड या फिर रेजिस्टेंस जो हम लोग उठा पा रहे हैं, तभी है उसका ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज मशीन कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं दे पाएगा कि जितना मुझे लोड कैरी करना है उतना ही मैं एफर्ट भी लगाऊं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है बेसिकली ये जो रेशियो है, तो हम हमेशा याद रखना लोड यानी कि जो हमको उठाना है और एफर्ट मतलब जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज तो हो जाएगा रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड और एफर्ट, लोड क्या है जो रेजिस्टेंस टू ओवरकम यानी कि जो लोड हमें उठाना है, एफर्ट मतलब जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक,
और बाकी उसी का जो सेकेंड फॉर्म है कि डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट फ्रॉम द फलक्रम पॉइंट, और डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फलक्रम पॉइंट। इस केस में कि अगर मान लो फोर्स इक्वल है या फिर उस केस में, तो ये एक स्पेशल केस में है जिसमें डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट फ्रॉम द फलक्रम पॉइंट और डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फलक्रम पॉइंट इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज के जो दोनों रिलेशन है ये समझ में आ जाने चाहिए कि ये क्या होता है। तो ऊपर की तरफ लोड रहेगा, और यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमको लेना है तो जनरली ग्रेटर देन वन ही होना चाहिए, यानी कि जो एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं वो कम होगा और जो लोड हम लोग कैरी कर रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। और जो सभी मशीन्स हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, और वो प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा जो है एनर्जी चेंजिंग डिवाइस किसी वाले में जो वेलोसिटी रेशियो जिसमें कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जो डिस्टेंस एफर्ट मूव करेगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, तो लोड कितना मूव कर रहा है जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है वेलोसिटी रेशियो। और जैसे कि लीवर है या फिर सिंपल लीवर वाला, ये एक लीवर का एग्जांपल है जिसका हैंडपम्प का जो हैंडल है, और सिंपल पुली वाला एग्जांपल हमको पता ही है कि वो बेसिक मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पे है, और सब में केस में जो रोटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है वही है। और जैसे लीवर वाला केस है, जैसे उसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिसको क्लासेस बोलते हैं। पहला है एक तो जिसमें फलक्रम पॉइंट जो है लोड और एफर्ट के बीच में है, फॉर एग्जाम्पल हम एफर्ट लगा रहे हैं फलक्रम पॉइंट यहाँ पे, और जो लोड है जो काटना है कैंची से या फिर जो प्लायर यूज़ करते हैं ना तार उर काटने के लिए, और वो कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये जो होगा ये फर्स्ट क्लास जो लीवर है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड क्लास लीवर वाले के केस में क्या हो रहा है, फलक्रम पॉइंट एंड में है और एफर्ट भी एंड में, लोड बीच में है जैसे ये वाला एग्जाम्पल है। तो एफर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं इसको ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, और बीच में जो है लोड है वो भी नीचे की तरफ रजिस्ट कर रहा होगा, और जो फलक्रम पॉइंट है उसका जैसे यहाँ पे ये नीचे की तरफ है, तो जैसे इसको नीचे रखा हुआ है इसको मैं उठा रहा हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा लोड जो होगा बीच में होगा फलक्रम पॉइंट और एफर्ट के। जो थर्ड क्लास जो लीवर है उस वाले केस में, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हैंडल को एक हाथ में हम लोग फिक्स करके रखते हैं, सपोज मैं राइट ही हूँ तो मैं लेफ्ट वाले हैंड से इसको पकड़ूंगा, इसको इसमें सॉवेल करूंगा, इसके अंदर डालूंगा जो भी हमारे लोड रहेगा उसमें, और उठाने के लिए मैं अपने लेफ्ट वाले हैंड से एफर्ट लगा के इसको फिक्स करके फलक्रम पॉइंट जैसे काम करेगा ऊपर उठाऊंगा, फिर ले जाके डंप कर दूंगा। तो फलक्रम पॉइंट मेरा इधर है और एफर्ट बीच में है और लोड जो है साइड में है। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन कि तीनों का लोकेशन क्या है, लोड एफर्ट और फलक्रम पॉइंट, उसके हिसाब से हम लोग इसको तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास वन क्लास टू एंड क्लास थ्री, और तीनों में डिफरेंस क्या है वो हमने देख ही लिया। समझ आ गया? अरे मेथड का बाकी है, तीन चार क्लास बाकी है, थोड़ा सा मशीनरी का एक पेस में लेके आ जाऊं ताकि मशीनरी पीछे है ना। मशीनरी एक आ जाए, कुछ क्लासेस हो जाए उसमें, उसमें ज्यादा मेथड बाकी नहीं, क्वेश्चन करने हैं, और उस वाले में मेटल माइनिंग का कुछ कंपोनेंट बाकी है जो कि मुझे समझाना है। तो मशीनरी मोर और लेस वो हो गया है, तो एक बार, अरे मेथड मोर और लेस हो गया है लेकिन कुछ कंपोनेंट है और बाकी क्वेश्चन जो है वो बाकी है। तो जब तक ये मशीन वो नहीं कर रहे थे, किसी ने बोला था कि सर समय दे दीजिए, वो 10 से पहले ख़त्म करने का टारगेट है, उसी के हिसाब से जा रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ ख़त्म होता है या नहीं, नहीं तो एक आध दिन एक्स्ट्रा जाएगा तो जाएगा, दिवाली से पहले, दिवाली से पहले एंड करना है। नहीं, क्लासेस खत्म नहीं हुआ है, मेथड का भी चलेगा, मतलब ज्यादा क्लासेस नहीं है, तीन चार क्लासेस होंगे अधिक से अधिक, मतलब एक दिन या फिर तीन चार क्लासेस, मतलब कि रेगुलर वाला उस टाइप का लो तो। हाँ, तो कंपोनेंट जो है वो पहले कि एक लीवर जो है सिंपल मशीन है जिसमें कि एक बीम होता है या फिर जो रिजर्ड रिजिड रॉड है वो है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स होता है, जैसे इस केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स होता है जिसको फलक्रम बोलते हैं।
और जो वर्किंग मैकेनिज्म है इसका, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, तो जो मूवमेंट है वो कंजर्व है, यानी कि जो मूवमेंट इधर होगा वही मूवमेंट इधर, अगर मैं इधर एफर्ट लगा रहा हूँ तो वो इधर भी ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि जो टर्निंग मूवमेंट है किसी भी फोर्स का और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में अगर टर्निंग मोमेंट निकालना है तो ये मेरा लोड है और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा टर्निंग पॉइंट दे देगा। और जब किसी भी टर्निंग पॉइंट की बात करें दो फोर्सेस के किसी भी पर्टिकुलर फलक्रम के अबाउट, तो वो क्या होंगे, हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में फोर्स, इस केस में एफर्ट इधर है और ये इधर है, तो आर क्रॉस एफ करूं तो ये किधर जाता है, नीचे की तरफ। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा नीचे की तरफ, इस वाले में आर इधर है, रेडियस जो पोजीशन वेक्टर है, और फोर्स जो है नीचे की तरफ है, तो इस वाले केस में जो है तो इसको नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो इसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना डायरेक्शन शो करने के लिए, ऐसे वाला सिंबल यूज करते हैं, ये बताता है कि पेज के इनवर्ड और ये बताता है पेज के आउटवर्ड, ये डायरेक्शन है। ठीक, तो अगर मैं यही प्रिंसिपल यूज करता हूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, तो उस प्रिंसिपल से क्या होगा कि अगर मुझे लोड कैरी करना है अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का और स्मॉल फोर्स अप्लाई करके, तो मैं वो इजिली कर पाऊंगा। ठीक, और जो लीवर है इसका, जैसे कि ये हैंडल है, जैसे हैंडपंप वाला, इससे पहले मैं एग्जांपल दे रहा था, तो लीवर या फिर स्ट्रेट हो सकता है जैसे इस वाले केस में, या फिर वो कर्व्ड हो सकता है, लेकिन बेसिकली वो रिजिड होना चाहिए। अगर रिजिड नहीं है तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट की बात कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और जिस केस में एक बार है और एक फलक्रम है उसको बोलते हैं सिंपल लीवर। जैसे ये सब जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो सिंपल लीवर के एग्जाम्पल हैं। अदरवाइज जो कंपाउंड लीवर होगा उसमें एक से ज़्यादा फलक्रम पॉइंट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा बार हो सकते हैं। जैसे इस केस में एक ही बार है, एक ही फलक्रम पॉइंट है, एक बार है एक फलक्रम पॉइंट, तो दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल लीवर, और उसके बाद अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंपाउंड लीवर। ठीक, अगर ज़्यादा है तो उस केस में बोलेंगे कंपाउंड लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर की बात करें उसमें क्या होता है, तो टाइम कितना हो गया, 15 मिनट का ब्रेक भी देना है अगली क्लास 6 बजे से आपकी। क्या नहीं समझ में आ रहा है, टर्निंग मोमेंट समझ नहीं आ रहा है। अरे अभी तो बताया था ना इससे जस्ट पहले कि टर्निंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। देखो आप, तो फिर से वही वाला फंडामेंटल वाला, क्लासेस रिवाइज करो नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा। किसी को भी क्लास रिवाइज नहीं करोगे आप। हाँ, तो हमेशा जब हम लोग निकालते हैं ना आर क्रॉस एफ, तो यही है ना टर्निंग मोमेंट या फिर टॉर्क निकालने के लिए। जैसे इस केस में इस पॉइंट के अबाउट निकाल लेता हूँ तो ये मेरा फलक्रम पॉइंट हो जाएगा कि जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, जिसके अबाउट रोटेट करेगा ना, जैसे हम लोग देख रहे थे ये रॉड है यहाँ से रोटेट कर रहा है, तो ये मेरा फलक्रम पॉइंट था और बाकी मेरा ये एफर्ट है, और उसकी वजह से जो लोड जो लग रहा है नीचे की तरफ या फिर जैसे भी जा रहा है, तो जिसको हिसाब से मेरा लोड है इधर की तरफ कहीं से भी हो, यहाँ से रोटेट कर रहा है और ये इसका डिस्टेंस है, तो आर जो है बेसिकली ये जो फलक्रम पॉइंट है उससे ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है या फिर लोड है वो एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा आर और एफ के बीच में बनाते हैं ना, तो और दोनों को बनाना है तो एक दोनों का टेल जो है साथ में रहना चाहिए। जैसे इस वाले केस में ये आर पोजीशन वेक्टर है, तो जब मैं आर क्रॉस एफ करूंगा ना तो वो राइट हैंड थंब रूल जो था, हाँ राइट हैंड थंब रूल, उसमें क्या करते हूँ मैं अपने चारों फिंगर आर की तरफ लेके जाऊंगा और थंब ऊपर की तरफ है, और आर जैसे ही मैं अपना फिंगर कर्ल करूंगा मतलब मोड़ूंगा एफ की तरफ,
जिधर थंब पॉइंट करेगा वो मेरा डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स की तरफ, मतलब टॉर्क का जो डायरेक्शन है। तो जैसे मैं आर की तरफ चारों फिंगर ले गया, राइट हैंड का चारों फिंगर आर की तरफ ले गया परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, और उसको कर्ल किया एफ की तरफ, फिंगर किधर की तरफ पॉइंट करेगा, जेड की तरफ ना, तो वो मेरा डायरेक्शन दे देगा किसका। तो जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट यूज, ऐसे अगर मैं करूँ तो यानी कि पेज के बाहर ऐसे करूँ यानी पेज के अंदर, क्योंकि लिमिटेशन है 2D ही हमारे पास है तो 3D डायग्राम तो बना नहीं पाऊंगा। इस केस में आर क्रॉस एफ जैसे ही किया, मतलब कि एक्स वाई प्लेन में है ना ये सब आर और एफ दोनों, तो जेड के अलॉन्ग जो है ये डायरेक्शन आ जाएगा। अगर मैं दो अदरवाइज करता जैसे इस वाले केस में, आप समझ में आ जाएगा आपको। हाँ इस वाले केस में देखो, ये मेरा फलक्रम पॉइंट था और ये मेरा आर का डायरेक्शन है, आर इधर ही की डायरेक्शन में है ना, और फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ एफर्ट है, तो दोनों के बीच में, तो आर की तरफ मैं अपना पूरा चारों फिंगर ले गया जब राइट हैंड का, और उसको कर्ल करूंगा ई की तरफ, मतलब मोड़ूंगा जैसे घुमाऊंगा ई की तरफ, और जो मेरा जो ई जो रहेगा ना रिस्ट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा उसी पर्टिकुलर जो पॉइंट है जहाँ से दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं यहाँ पे फिक्स रहेगा। तो आर से जब ई की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा थंब किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, पेज के अंदर, तो यानी कि इस समय जो टॉर्क का डायरेक्शन है या फिर मूवमेंट का डायरेक्शन है, टर्निंग मोमेंट, वो अंदर की तरफ है। जब इसके केस में मैं देखूँ तो रेडियस मेरा इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है और लोड जो है मेरा इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इसमें आर की तरफ फिंगर ले गया राइट हैंड का चारों, और उसको कर्ल किया एल की तरफ, तो किधर की तरफ फिंगर पॉइंट हो रहा है, थंब मेरा किधर की तरफ पॉइंट हो रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक, तो वही बोल रहा है कि हाँ आर इक्वल एंड अपोजिट द लीवर इज इन इक्विलिब्रियम, तो यही बोल रहा है कि अबाउट द फलक्रम ऑफ अ लीवर आर इक्वल, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे एंड अपोजिट, अपोजिट मतलब डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, जैसा कि इस केस में एक पेज के इनवर्ट जा रहा है एक पेज के आउटवर्ट जा रहा है। समझ में आ रही है ना, दोनों एक तरफ होते तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। फर्स्ट में एफर्ट, हाँ ठीक है एंड करते हैं, आपका क्लास शुरू होगा तो ब्रेक भी तो 5 मिनट का चाहिए। तो आर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा, सेकेंड आते हैं ना वो अगले क्लास में करेंगे, किस में ज़्यादा वो सब करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले का ज़्यादा है, मतलब सबसे कम किसका ये मैं बता सकता हूँ, थर्ड वाले का, क्लास 3 वाले का, तो कभी आप देखते हो ऐसे उठाते समय ज़्यादा हमको एफर्ट